दुनिया में हर एक इंसान अपने नजरिए से सोचता है और अपने नजरिए से देखता है, इसलिए सारे इंसानों की सोच एक दूसरे से अलग अलग होती है। लेकिन एक चीज है जो सबको एक साथ बांधे रखती है और वो है प्यार। मैं प्यार व्यार को नहीं मानता। प्यार से इंसान जंजीरों में बंध जाता है और इंसान किसी काम का नहीं रहता। वैसे तुम्हारी क्या राय? प्यार तो ऊपर वाले की दी हुई सबसे अनमोल चीज है। कभी दिल से किसी को महसूस करके देखो, तब जाकर तुम्हें एहसास होगा। रिलेशनशिप इज लाइक ऑक्सीजन। बकवास। रिलेशनशिप पिंजरे में जानवर की तरह होती है जिसमें इंसान कभी आजादी से सांस नहीं ले पाता। लानत है ऐसी सोच पर। नो, ये सोच नहीं, सच है। ऐसी सोच वालों को मिसाइल के ऊपर बैठाकर स्पेस में भेजना चाहिए। गोरी मैम, तुम्हारे साथ रात अच्छी बीती, लेकिन कोई उंगली दे तो उसकी कलाई नहीं पकड़नी चाहिए। ओके, फिर मत मिलना। यूजलेस। बुढ़ा है और उसका एक पैर कब्र में है, पर माया शादी के लिए कैसे राजी हुई? मुझे तो लगता है बुढ़े का पैसा देखकर तैयार हो गई। तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो डार्लिंग? ऐसा लग रहा है जैसे भूख हड़ताल कर रही हो। जरा फेस ऊपर करो ताकि तुम्हारा फेस देखकर सूरज अपना फेस वॉश कर ले, प्लीज। भाई बाहर आके डांस करो ताकि तू अंदर आके चांस मारे। अगर थोड़ा डांस कर लोगे तो चार्ज हो जाओगे। मुझे नहीं, दुल्हन को आंख मारो। आओ दादाजी, थोड़ा कमर मटकाओ। दादा किसको बोला रे साले? अभी मैं स्टेज तोड़ूंगा तो रात को पलंग के तेरा बाप तोड़ेगा। बीपी डार्लिंग, रात को देखना पड़ता है, मतलब टैबलेट खाना पड़ता है। अब तो आपको डबल डायबिटीज है, बीपी तो पहले था। तो आदमी तरक्की भी ना करे, वो लुके पट्टे। तो बवासीर की खाओ। जरूर खाऊंगा, उसके बाद एड्स की भी खाऊंगा। जहर की बची है वो भी खा लेना। बिन गोली तो तू खड़ा भी नहीं होगा। दो हार्ट अटैक आ चुके हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, सुबह में बीपी की, रात को वाइग्रा की। खाने से ज्यादा तू गोलियां खाता है, मेडिकल से ज्यादा दवाइयां तो तेरी बॉडी में होगी। साले तू तो मुझे ऊपर पहुंचा के रहेगा। बुलबुल मेरी बात सुनो, मैं वादा करता हूँ 2 हफ्ते में मैं 7.5 पैक पीऊंगा, पैक बना लूंगा। अबे बुड्ढे, तू पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? माया माया सुनो, अरे कहाँ जा रही हो? माया तो जाल से भाग गई। भाई ये तो पीटी उषा से भी तेज निकली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उससे शादी नहीं करूंगी। कमाल है, मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी मतलब बर्बादी। मुझे तुम्हारे साथ बर्बाद होना है। मैं तुम्हें हंसता खेलता अच्छा नहीं लग रहा जो शादी का ऑफर दे रही हूँ। शुरू के 4 दिन सब अच्छा लगता है, फिर घर की मुर्गी दाल बराबर, समझी? शादी करके तो देखो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। लिसन माय, शादी करने से स्वर्ग के दरवाजे खुलते तो है, मगर अंदर नहीं, बाहर जाने के। अब मेरे मामू को ही देखो, बिना शादी के छड़े छाड़ बुड्ढा ऐश कर रहा है। शादी वाले जोड़े सिर्फ मैरिज हॉल में ही खुश रहते हैं, उनकी जिंदगी यहाँ पे भी नर्क और ऊपर जाकर भी। बोलो शीला। रात को जोश में सावधानी हट गई और दुर्घटना घट गई। हैं, पर कैसे? तुम अपनी टोपी भूल गए, पति को शक हो गया। ओ, सच्चे लवर्स की तरह हम 2 महीनों के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ना खत ना फोन। 2 महीने, इतने समय तक अलग रहेंगे तो मैं मर जाऊंगी। ओ, तब तक के लिए फेसबुक है ना डार्लिंग, मेरी फोटो देखकर चैटिंग करना और मैं तुम्हारी फोटो देखकर बैटिंग करता रहूंगा। इनबॉक्स आउटबॉक्स में रोमांस जारी। इस तरह मैं बिना रिलेशनशिप की जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ। तुम शादी के लिए राजी कैसे हुई? उसका पैसा देखकर। तो इनकार क्यों कर रही हो? उसका बुढ़ापा देखकर। ए, तुम उसकी दौलत को देखो ना, बुढ़ापे को क्यों देखती हो? शादी कर लो क्योंकि उसकी बहुत इनकम है और दिन बहुत कम है। लेकिन अमेरिका में तलाक लेने देना बहुत आसान है, बात मानो, हमला बोल दो। तलाक के बाद तुझे $10 मिलियन मिलेंगे। वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो करना है तुम्हें करना है। यार दुल्हन शादी के दिन भाग गई, अगर ओलंपिक में भागती तो मेडल जरूर ले आती। ए चुप कर, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले दादाजी की शादी हो जाए। पहले जब मैं कह रहा था कि शादी कर लो तो कहने लगे अभी मैं बच्चा हूँ, थोड़ा सा कच्चा हूँ, अब तो माल पक्के सड़ गया है। सर मैं बैंड बजाऊं? बैंड नहीं, मेरा सर बजाओ। जा पहले से बजिए। भाभी कहाँ चली गई थी मेरी मैना? आपकी उम्र देखकर घबरा गई तो मैंने इसे समझाया कि आपसे कोई खतरा नहीं, आप तो इसके डैडी समान है। तू कौन है रे भोले? मैं इसके चाचा के भाई की बहन के हस्बैंड के ससुर के दामाद के दूर के मामा के बेटे का भाई। तो इसका कौन? दिमाग पे जोर मत डालो, यहाँ ग्लूकोज भी नहीं है। अरे इसकी एक्सपायरी डेट आने से पहले बजा डालो।
हमने जो चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया था वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। क्लाइंट बहुत परेशान कर रहा है। ऑफिस की बात ऑफिस में करो, अभी सोने दो। किशन, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। सारे रिश्तेदार आ गए हैं, मगर दादाजी जिद कर रहे हैं कि वो तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं। प्लीज इंडिया आ जाओ। बेटे, इतने लोग रोज इंडिया आते हैं, तुम भी एक बार इंडिया आ जाओ और अपने दादाजी से मिल लो। याद रखो, अपनों से बढ़कर कुछ नहीं होता। प्लीज इंडिया आ जाओ एक बार, हम सभी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज। ए, शट अप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शर्मा। रात को 99 पर पहुंच गए। लड़कियां जब आती हैं तो थकी हुई होती हैं, लेकिन जब जाती हैं तो एकदम तरोताजा रहती हैं। आप ये जादू कैसे करते हैं सर? वेरी सिंपल शर्मा, अगर किसी लड़की को आई लव यू बोलोगे तो वो तुम्हारे बारे में, खानदान के बारे में, कुंडली के बारे में इंक्वायरी करेगी, लेकिन अगर मौज मस्ती के लिए कहोगे तो ये सब नहीं पूछेगी, सिर्फ इंजॉय करेगी और चलती बनेगी। एक लीटर दूध के लिए भैंस नहीं पालनी चाहिए, समझा? वाह, क्या मिसाल दिया सर। मगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं या सेटल हो जाते हैं। ऐसी कोई लड़की नहीं जो मुझे सेटल कर सके। इसे देखकर, देखो कितना सुंदर है। गुड इवनिंग। एक फाउंडेशन जिसकी वजह से अलग धर्म और अलग अलग देश के बच्चे एक साथ हैं। ये प्यारे बच्चे इतने बदकिस्मत हैं कि मौत इनको कभी भी अपने पास बुला सकती है, मगर इनकी बची हुई जिंदगी में खुशियों का चिराग जलाने और इनकी आखिरी विश पूरी करने के लिए एक चैरिटेबल फाउंडेशन काम कर रहा है। आइए उनसे मिलते हैं। संध्या जी, अपने डॉक्टर जैसे महान प्रोफेशन को छोड़कर आप इन बच्चों को अपना कीमती वक्त क्यों दे रही हैं? इस पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान ही है जो दूसरों को खुशियाँ दे सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। यही वजह है। अलग अलग देशों के बच्चों को एक साथ जमा करना और उनके खर्चे उठाना, ये सब कैसे कर पाती हैं? क्या आप हमें बताएंगी? Everything is possible with love. वो अपने वकील के साथ आया है और बहुत गुस्से में है। पता है, माया ने बताया। गुड मॉर्निंग सर। बंदरीनाथ, एक ब्लैक कॉफी। कितनी बार कहा है मेरा नाम बंदरीनाथ नहीं केदारनाथ है, देखना कीड़े पड़ेंगे तेरे मुँह में कीड़े। आज तक हमारा कोई भी शो फ्लॉप नहीं हुआ, सिर्फ हिट ही हुआ है। बदकिस्मती आपकी है जो आपका शो फ्लॉप हो गया। सिर्फ शो फ्लॉप नहीं हुआ, बल्कि अनाथ बच्चों के लिए करोड़ों की चैरिटी का प्लान भी फेल हो गया। मेहरा साहब, आपका करोड़ों का नुकसान हुआ है तो आपके साथ हमारा भी तो करोड़ों का नुकसान हुआ है, फिर भी मैं हंस रहा हूँ और आप हैं कि रो रहे हैं। जस्ट चिल। मैं तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। नुकसान की भरपाई करो और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। ये क्या इंश्योरेंस कंपनी है? लगता है तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की। हमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साफ साफ लिखा था कि शो के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। किसी से पढ़वा लो। हेलो, मैंने पेपर ठीक से पढ़ा है, अगर तुम्हें कोई शक है तो फिर से चेक करवा लो। माया, कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आओ। क्लॉज 24। अरे, फ्लॉप होने की सूरत में नुकसान हम भरेंगे। किसने टाइप किया ये पेपर? मैंने टाइप किया और शो फ्लॉप भी मैंने करवाया। What? तुम दोनों ने मेरी शादी उस बुड्ढे से करवा दी, इसलिए मैंने प्लान बनाकर ये सब किया। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे। जिस कंपनी का दिवाली बोनस हजम कर रही हो उन्हीं को चूरन खिला दिया। मामू जरा रुको। मैं क्यों रुकूं? इसे सर पे चढ़ा रखा है इसलिए इतना बकबक कर रही है। पहले इसकी आउटगोइंग बंद करो। Why should I take the blame? इस मुसीबत से निकलने का बस एक ही रास्ता है, मुझसे शादी कर लो। तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो। भांजे, जबान को ब्रेक लगा, मामा इंसाफ करेगा। मिस यूटन, अगर 6 महीने बाद तलाक लोगी तो तुम्हें $10 million मिलेंगे। फिर तुम चाहो तो इससे शादी कर लेना और दिल न भरे तो मैं भी हूँ। What an idea भांजे। तुम मामा हो कि पजामा? Excuse me, रासलीला का डिस्कशन बंद करो और मेरे 25 करोड़ का बंदोबस्त करो। 25 करोड़ की बात कर रहा है तू? चवन्नी नहीं दूंगा। कोर्ट तक जाऊंगा। मैं कोर्ट में ऐसे जाली कॉन्ट्रैक्ट पेपर साबित करवा दूंगा। जरूरत पड़ी तो जज को खरीदूंगा। अगर वो नहीं माना तो उसकी बीवी का MMS बनाकर उसे ब्लैकमेल करूंगा। अमेरिका में पला बड़ा हूँ, यहाँ के सारे पैतरे जानता हूँ। किसे कैसे सेट करना मुझे अच्छी तरह पता है। केस लड़ते लड़ते इंसान पोते से दादा बन जाता है। तारीख पड़ती रहती है, अपने बाप को मत सिखा। बोल चुके ना, या फिर तुम्हें कुछ और भी कहना है? अगर हाँ कहूँ तो क्या उखाड़ेगा? तुमने जो कुछ भी कहा वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। ऐसे
जाली कॉन्ट्रैक्ट पेपर साबित करवा दूंगा। जरूरत पड़ी तो जज को खरीदूंगा। अगर वो नहीं माना तो उसकी बीवी का MMS बनाकर उसे ब्लैकमेल करूंगा। अमेरिका में पला बड़ा हूँ, यहाँ के सारे पैतरे जानता हूँ। किसे कैसे सेट करना मुझे अच्छी तरह पता है। केस लड़ते लड़ते इंसान पोते से दादा बन जाता है। तारीख पड़ती रहती है। बाहर का दरवाजा दिखा रहे इसको। अमेरिका के कानून के हिसाब से इस वीडियो को मुल्जिम के इकरारनामे के रूप में एक एविडेंस के रूप में मान लिया गया है। मुल्जिम किसी और कोर्ट में नहीं जा सकता। इस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मिस्टर किशन को अपने क्लाइंट को हर जाने के तौर पर 25 करोड़ रुपए देने होंगे। Yes! और अगर एक महीने में यह हरजाना न दिया गया तो मिस्टर किशन को 10 साल की सजा हो सकती है। देख लिया कलम की ताकत को। अभी हंस ले तू, क्योंकि तेरे अच्छे दिन जाने वाले हैं। तो जल्दी करो क्योंकि तुम्हारे पास दिन बहुत कम है। एक महीने में जेल में चक्की पीसते हुए दिखोगे। बेकार की सारी प्रॉपर्टीज बेच देते हैं। तुम जल्दी से उसकी लिस्ट तैयार करो। फिरारी कार? उसे छोड़ दो। क्यों? कल रात अलीशा को गिफ्ट कर दी। न्यूयॉर्क का घर? उसे भी छोड़ दो। क्यों? पिछले हफ्ते मैंने मिस कॉल को गिफ्ट कर दिया। अरे कम से कम पूछा तो होता। तुम क्या हर काम मुझसे पूछ के करते हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे पूछा अगर ये जेल चला गया तो मेरी कथा कौन सुनेगा? मामो। भांजू, दूसरे की औरत नंबर दो की दौलत और सस्ती शौहरत कभी अपनी नहीं होती, समझे? समझ गया। अच्छा देखो, गिफ्ट देने के बाद जो प्रॉपर्टी बची है वो बताइए, हिसाब कर लेते हैं। ये सब प्रॉपर्टी बेचने के बाद कितना फंड आएगा? अगर खुद को भी बेच दोगे तो भी 10 करोड़ कम पड़ेगा। बंद्रीनाथ, कॉफी ला। बंद्रीनाथ, ये कॉफी नहीं टी है। मेरा नाम भी बंद्रीनाथ नहीं, केदारनाथ। मैं तेरा बॉस हूँ, जिस नाम से चाहूँ पुकार सकता हूँ। मैं 10 साल से यहाँ काम करता हूँ, आपको मेरा नाम तक नहीं पता। तो क्या हुआ, मुझे तेरे साथ रिश्ता थोड़ी जोड़ना है? आप जैसे अमीर लोग मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और मजदूरों को अपना गुलाम समझते हैं। अरे बाप रे, इसे तेरी दुनिया लूट गई क्या? सर वक्त है, सुधर जाइए। कुछ ज्यादा ही जबान चला रहा है, चल निकाल। इतने सालों से आपके साथ काम करके मैं ये तो जान गया हूँ कि आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपको किसी की परवाह नहीं है। चाहे तो ट्राई करके देखिए। हेलो 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 टॉम, कैन यू हियर मी? इट्स मी। हेलो 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 पीटर, हमारा एक कोर्ट का मामला हमें बदनाम कर रहा है, यहाँ तक कि हमारी प्रॉपर्टी के भाव भी कम हो गए हैं। अब तो ऐसा लग रहा है हमें टोटल 10 करोड़ भी नहीं मिल पाएंगे। हमारे पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ। इंडिया से कॉल है। हेलो किशन, मैं श्रीनिवास राव बोल रहा हूँ, तुम्हारे डैडी का दोस्त और वकील। बेटे, इतनी मेहनतों के बाद भी तुम इंडिया नहीं आए, इसलिए तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद तुम्हारे दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बुआ के नाम करने का फैसला किया है, जिसकी कीमत है 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़। लेकिन उस प्रॉपर्टी के असली वारिस तुम हो, इसलिए जब तक तुम साइन नहीं करोगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। ये क्या बात हुई पापा, माँ को समर्पित राम जी का मंदिर बनवा रहे हैं और मुझे बिना बताए उसी मंदिर में मेरी शादी करवा रहे हैं? तो इसमें गलत क्या है बेटा? ये तो तय था कि तुम जैसे ही अमेरिका से वापस आओगे तुम्हारी शादी चोपड़ा जी की बेटी शकुंतला से कर देंगे। चाहो तो तुम एक बार शकुंतला से मिल सकते हो, ठीक है ना? पापा, मेरी शादी शकुंतला से हो जाए ये आप चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। अमेरिका में एक लड़की से मुझे प्यार है, मैं उसी से शादी करूंगा। बात तुम्हारे चाहने की नहीं है रवि, बात जमान की है जो मैंने चोपड़ा जी को दी थी कि अगर मेरा बेटा हुआ तो उसकी शादी में उनकी बेटी से करवाऊंगा, और वो नहीं माना तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा।
रवि जिंदा थे तो आपने मुझे यहाँ नहीं रहने दिया। अब ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। चलो बेटा। अब दूसरी शादी कर लो बेटी, तुम्हें भी अपने लिए सहारा मिल जाएगा और किशन को बाप का साया। डैडी, मैं अभी तक रवि को भूली नहीं हूँ। ओह माय गॉड, वो तो कब का मर गया लेकिन अभी तक तुम्हारे दिल से निकला नहीं है। कैसे खानदान में शादी की? छी। कभी किसी से प्यार मत करना, बहुत दर्द होता है। सच्चा प्यार करने का अंजाम देख रहे हो ना, सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं मिलता। कभी किसी से प्यार मत करना, बहुत दर्द होता है, सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में या तो रिस्क लो या तो खिसक लो। मैंने तुम्हें इंडिया वाली प्रॉपर्टी की बात बताई थी ना, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करके 4-5 दिनों में ही 30 करोड़ लेकर वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम यहाँ मैनेज कर लेना। शिट। तुम ठीक हो ना? Are you okay? साला। हेलो, क्या हो रहा है? लगता है वक्त से पहले तुमने जेल जाने का इरादा कर लिया है। ऐसे गाड़ी चलाते? अरे तू था क्या? अगर पहले पता होता तो तेरी गाड़ी गैराज में और तू अस्पताल की खटिया पे होता। अबे कुत्ते के, सच कहूं तो तुम्हें 10 साल की कैद नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। जाने दो भैया, क्यों मुंह लग रहे? देखा कैसे कट पा रहा, नॉनसेंस। ए, तेरी सिस्टर है क्या? कितने साल की है? अबे साले। अबे जीजा बोल, साला नहीं। मैं तेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगा, फिर उसके साथ ताक दिना दिन। मुंह बंद कर कुत्ते, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चिल्ला मत साले। कौन था भैया? था एक मवाली। तुम अकेली इंडिया जा रही हो, मुझे टेंशन हो रही है। माँ, मैं पिकनिक पर नहीं जा रही हूँ, जो सबको साथ ले जाओ। वहाँ पर चैरिटी फाउंडेशन वाले हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। संध्या, कहो तो अरविंद को साथ भेज दूँ। भैया आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? तुम्हारी फिक्र ना करूँ तो फिर क्या कटरीना की करूँ? अरविंद बहुत ही हैंडसम और शरीफ लड़का है, इनफैक्ट मेरे सभी जूनियर्स में सबसे काबिल लड़का है। भैया मैं आपकी फिक्र समझ सकती हूँ, लेकिन लड़का मेरी पसंद का होना चाहिए क्योंकि मुझे जिंदगी बितानी है भैया। और देखना, एक दिन मुझे जरूर मिलेगा वो। भाई तुम्हारी पसंद का लड़का इस जन्म में तो मिलना मुश्किल है। जहाँ रिश्तों में सच्चाई होती है भैया, वहाँ बुराई में भी अच्छाई आ जाती है। ओके ओके, फ्लाइट का टाइम हो गया, ख्याल रखना। तुम भी मिल लो बेटा। बाय। टेक केयर संध्या। संध्या, जाने से पहले कम से कम ये तो बता कर जाओ कि तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए। सोच कर बताऊंगी। सर, योर बोरिंग पास। थैंक यू डियर। यू आर वेलकम। Hey, just a moment. How are you, baby? This is Zuga. Nice to meet you. How about coffee? क्या पटाखा लड़की है, अगर पुलिस वाले रास्ते में नहीं आते तो आज इस कुड़ी के रास्ते लगा देता। ठीक है मॉम, मैं फोन रखती हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? पहले मुझसे बात करोगे, फिर मेरी तारीफ करोगे, मुझसे दोस्ती बढ़ाओगे और फिर घर तक छोड़ने आओगे? मैं तुम जैसे लफंगों को जानती हूँ। आपने मेरे मोबाइल पर तशरीफ रखी है। बैड लक। सुनिए, एक्सक्यूज मी, आप इसे कॉल कर लीजिए। इट्स ओके, थैंक्स। आपका फोन मेरी वजह से टूट गया है। थैंक्स। हेलो श्रीनिवास राव, मैं किशन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कल इंडिया पहुँच रहा हूँ, यही बताने के लिए कॉल किया था।
Thanks a lot. I'm Sandhya. I'm just a minute. किशन जी, हाँ, मेरा नाम कैसे पता चला? आपकी आंटी का फोन है। जरा एक मिनट। हेलो आंटी, बताइए क्या बात है? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही आ जाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। आई एम संध्या। मेरा नाम तो आप जानती हैं। इंडिया में कहाँ जा रहे हैं? एड्रेस याद नहीं है, डायरी में देखना पड़ेगा। मैं एक्चुअली अमेरिका में पैदा हूँ और पहली बार जा रहा हूँ इंडिया। oh. और आप कहाँ से? मैं भी यहीं पैदा हुई हूँ, लेकिन इंडिया का तीसरा दौरा है, इस बार मुंबई का। तुम्हें पता है? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। ये सब तुम्हारी आंखों का जादू है। इन आंखों को देखकर मेरा दिल करता है कि इनमें डूब जाऊं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हें अक्सर मिलते होंगे, मगर यही सच है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं इतनी जल्दी लोगों से दोस्ती नहीं बढ़ाती हूँ, पर पता नहीं तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया, मुझे ये मुलाकात याद रहेगी। यही तो मेरा हुनर है लड़की, हंसी तो फंसी, नहीं हंसी तो भी फंसी। इम्प्रेशन डालकर मैं उन्हें डिप्रेशन में डाल देता हूँ। अरे फोन रखो यार, मैडम मेरे सामने ही खड़ी है। फोन रखो यार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका सफर तो अच्छा रहा ना? ये लीजिए फोन। तुम्हारा फोन? अरे इसकी मेरी वजह से टूटा था ना। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं रखने वाला। अगर तुम इसे नहीं रखोगे तो मुझे बुरा लगेगा, प्लीज कीप इट। चलो ठीक है। यहाँ टैक्सी कहाँ मिलेगी? आप कहाँ जाएंगे सर? बांद्रा। दो मिनट सर। ए, ये तो मेरे मोबाइल से भी लेटेस्ट। अरे सुन कबाड़ी, तेरे रूट की सवारी है, ज्यादा बकबक मत कर, सीधा होटल पहुँच। साला शराबी कहीं का। सर ड्राइवर आधे घंटे में होटल पहुँच रहा है, तब तक आप भी हमारे साथ होटल चलिए और फ्रेश होकर आराम कीजिए। या प्लीज कम। ऑलराइट, लाइए ये मुझे दे दीजिए। ये रहे उन बच्चों के माता पिता। नमस्ते। बच्चे कहाँ है? सॉरी बच्चों, चिकन बिरयानी का ऑर्डर आया है। मम्मी उसे बचा लो ना। प्लीज मम्मी। कौन है ये बच्चे? मैंने बताया था ना कि मैं बीमार बच्चों की विश पूरी करती हूँ, ये वही हैं। What? ये? इन बेचारे बच्चों को अपनी आने वाली मौत के बारे में कुछ नहीं पता। चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से मैं इन्हें अमेरिका ले जा रही हूँ ताकि इन्हें इनके पसंद की जगह घुमा सकूँ। हमारी कोशिश रहती है कि हम इनकी आखिरी विश पूरी करें। तुम इतनी खूबसूरत हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, दूसरों की परेशानी का बोझ उठाने में उसे वेस्ट मत करो। किसी मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करवाने से ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? मुझे ऐसे काम में बहुत खुशी मिलती है। मेरे पल्ले ये सब नहीं पड़ता। ट्रैफिक जबरदस्त है, ड्राइवर भरोसे का है ना? 100% सर। दारू मॉर्निंग सर। दारू पियोगे? इसने तो पी रखी है। साहब ये नहीं पिएगा तो रास्ता भूल जाएगा, और अगर पिएगा तो आपको सही जगह पहुंचाएगा। सही बोला। कुछ नहीं होगा सर, आप जाइए। आर यू श्योर? अरे मैं 100%। ड्राइविंग करते हुए नींद नहीं आई तो कुछ भी नहीं होगा। विलेज से आए हो क्या? तभी लालम लालो। थैंक यू। आगे देखो। सर आपके पास सिगरेट है क्या? मैं सिगरेट नहीं पीता। कैंसर होता है सिगरेट पीने से। कोई बात नहीं, विलायती शराब तो होगी क्या? हाँ विलायती का मजा ही कुछ और है। पी के चलाओगे तो तुम्हें मजा मिलेगा और हमें सजा। नहीं सेफ ड्राइविंग करता हूँ, इतने एक्सीडेंट किए लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। दारू पीना छोड़ क्यों नहीं देता? मैंने छोड़ा था पर उसने पकड़ लिया। अब फॉरेन से आयो, या तो एक वॉच या एक खम्बा या कम से कम अत्तर का बोतल तो लाना चाहता अपने ड्राइवर को। दारू लाना जरूरी है क्या? अपन माँ का दूध से पहले दारू पिए है। एक काम कर, यहाँ से यूटर्न ले ले। अरे यूटर्न लेना है तो आप लो ना, मेरे को काहे को बोलते हो? अपन एकदम सीधा इंसान है तो सीधा ही गाड़ी चलाएगा। एनआरआई है तो ज्यादा स्मार्ट है क्या? एक काम कर, यही साइड में लगा दे। वहाँ पहुँचते ही मुझे सब कुछ झांसे में लेना पड़ेगा, वरना 25 करोड़ तो क्या 25 पैसे भी नहीं मिलेंगे। कोई ना कोई मंत्र तो बेटा, मंत्र मिल गया।
दादाजी की अच्छी सेहत के लिए मंदिर में पूजा करने गया था। कुछ सीखिए, पापा के लिए आपने कभी मंदिर में एक रुपया भी नहीं चढ़ाया। कुछ सीखिए, आपसे उम्र में काफी छोटा है। सर। क्या? ओहो, ये लो। जा, अच्छा होगा। खजूर ने नारियल दिया। देखिए, रिपोर्ट तो सारी नॉवल हैं, पर दवा भी बंद मत करना। पिताजी। करने के बजाय आप ये सब क्या लेके बैठ गए? कैसा आराम बेटा, तुम्हारे दादा ने बड़ी दीदी की शादी इनसे कराई ताकि ये फैक्ट्री चला सके। पर फैक्ट्री क्या, ये तो हिसाब भी नहीं कर पाते। हिसाब में मैं बचपन से ही कमजोर था, चाहो तो झाड़ू लगवा लो, बहुत अच्छी लगा था। ये बस यही कर सकता है, घर हो या तिजोरी, ये बस झाड़ू ही लगाएगा। तुम कम नहीं हो। तुमसे कह रही है। चुप रहो। हमने छोटे दामाद से कहा कि ऑफिस की सफाई का ख्याल रखो, तो ऑफिस में झाड़ू मारने लगा, पुराना स्टाफ निकाल के नया स्टाफ रख दिया। सासुमा, आई एम अ यूनियन लीडर। मुंह बंद करो। अगर यूनियन लीडर ही बनना है तो जाके म्युनिसिपैलिटी में भर्ती हो जाओ। छोटा दामाद हो या बड़ा, दोनों बेकार हैं। उसकी वजह से इस घर में हर रोज मेरी बेइज्जती होती है। तुम्हारा मुंह देखकर उस पर हाथ नहीं उठाता, उसकी बदबू भी सहन करता हूँ। साला नाता भी नहीं है। अबे तो तू ही आकर मुझे नहला दिया करना। इस घर में घर जमाई बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने आया है। मैं यूनियन लीडर हूँ, मुझसे तमीज से बात क्या करो। कमीज पहनकर तमीज से बात करो, खुद तो उल्लू का मट्ठा है। मुझसे कहा था कश्मीर के सेब यहाँ पर महंगे बिकते हैं, उनकी खेती यहीं पर कर लेते हैं। समुद्र के किनारे सेब की खेती की थी, सूख गया सबका सब, घंटा निकला उसमें से, उसमें से इतनी सी खास भी नहीं निकली। ये मुझे बचाएगा। अरे आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने ससुर के पैसे के बलबूते भरूं, पर तू तो वो भी नहीं है, सब तुझे उल्लू कहते हैं। एक बार एक आदमी ने कहा कि 5,000 दो तो 5,00,000 मिलेंगे, तूने लालच में 5,000 दे दिए, और जब पर्ची खोली तो कागज में लिखा था हेंगा ले सबसे बड़ा उल्लू। बेवकूफ कहीं का, इटालियन पिज्जा के साथ मैं सांभर खाता हूँ। झगड़ा बंद कीजिए, मेरा भतीजा आ गया है, वो फैक्ट्री संभाल लेगा, आप दोनों उसके लिए खाना लेकर जाना। अरे वो नौसिखिया कंपनी लुटा देगा, मैं देख लूंगा क्या करना है। गुड मॉर्निंग दादाजी। जीते रहो, जीते रहो बेटो। मिर्ची ज्यादा पड़ गई क्या? साले साहब की याद आ गई, वो किशन की शादी देखना चाहते थे पर गुजर गए। बेटे, मैं तुम्हारा ससुर बनने को तैयार हूँ। जी 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 जी, कितनी छोटी है ये, बाल विवाह करवाएगा क्या ये बालिका वधू? शर्माओ मत बेटा, हाँ कह दो। ये तुम्हारी तरह नहीं है, इसे सोचने का टाइम तो दोगे? पूछो तो शादीशुदा है या नहीं। अरे याद आया, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मेरी शादी हो चुकी है। बकरा हलाल है। तो बीवी को क्यों नहीं लाए? सोचा यहाँ के तौर तरीके समझ लो, उसके बाद उसे ले आऊंगा। हे भरत, यहाँ सब सेट हो गया। वेरी गुड। यहाँ की सारी प्रॉपर्टीज और एस्टेट्स मेरी बुआओं के नाम है, और दादाजी ने 200 करोड़ रुपए डैड के बाद एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दिए, जिस पर मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। मैं एक हफ्ते में पूरे पैसे लेकर अमेरिका पहुंच जाऊंगा। ओके, डोंट वरी, बाय। जाओ उस कुर्सी पर बैठ जाओ बेटा। लेकिन उस कुर्सी पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? मैं हमेशा तुम्हारे पापा को उस कुर्सी पर बैठे हुए देखना चाहता था, पर ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। तुम तो मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने तुम्हारे पापा के साथ बहुत नाइंसाफी की, मुझे लगा कि सभी मेरी बात मानते हैं तो वो मेरी बात क्यों नहीं मानता, पर मैं गलत था बेटा। वो मुझे छोड़कर चला गया, मुझे लगा कि वो लौट कर आएगा, और उसने सोचा कि मैं उसे वापस बुलाऊंगा। ना वो लौट कर आया, ना मैंने उसे वापस बुलाया। जब
जब तुम्हारी दादी बहुत बीमार थी तो हमें लगा कि उनकी चिता को आग कौन देगा। बेटा एक बात कहूं, तुझे अनाथ बनाने वाला तेरा ये दादा है, मुझे माफ कर दे। ऐसी बात मत कीजिए दादाजी, मत कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास राव, तुम्हारे डैडी का दोस्त। हम दोनों कॉलेज साथ साथ ही जाया करते थे। अंकल सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप जिस दिन बोलेंगे उस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये सारी बातें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम यहीं रुक जाओ ना, अमेरिका में मेरा जमा हुआ बिजनेस है और दोनों जगह ध्यान देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है दादाजी। मैं पापा के नाम एक बहुत बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ जिसकी लागत 50 करोड़ है। 25 करोड़ का इंतजाम मैंने कर लिया है, बाकी 25 करोड़ का इंतजाम भी मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा, जिसके लिए मेरा वहां रहना जरूरी है। बेटा तुम हॉस्पिटल खोलने के लिए इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे पिता के नाम को आगे बढ़ाने के लिए ही तो ये ट्रस्ट खोला है। पर दादाजी वो तुम्हारा बाप है तो मैं उसका बाप हूँ। 25 करोड़ रुपए कल तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, फिर हॉस्पिटल खोलना, अपनी कंपनी बंद करना और इंडिया आ जाना, जैसी आपकी इच्छा। सबसे पहले पैसा ट्रांसफर करो, वसीयतनामा बाद में देखेंगे, इसमें देर मत करो। 25 करोड़ ट्रांसफर करने में 4-5 दिन लगेंगे। बेटा 4-5 दिन 25 तारीख तक भी हो जाए तो, मतलब 4-5 दिन में भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या, इस तरह सर के बल खड़े रहने से घुटने में गया दिमाग सर में वापस नहीं आएगा। ये योग है। चलो खाना खाओ। अभी खाऊंगा तो पता नहीं चलेगा कि खाना ऊपर गया या नीचे। अब सुधरेगा। चिंटू, चिंटू मैं यहाँ हूँ, चलो खाना खा लो। ये खाने में अपने हाथ का मैल क्यों छुड़ा रही है? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। खाओ। तुम्हारे पापा को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद था, मैं उन्हें ऐसे ही खिलाती थी। चलो आ करो, मैं खिलाती हूँ। तुम्हारे पापा भी मुझे ही खिला देते थे। भांजे! तुमने रोज लड़की को दिया दिल और मुझे भरना पड़ा उसका बिल। अब मैं तुम्हें करूंगा किल। तुमने जिन लोगों को लूटा है उन्होंने मुझे पकड़ के बहुत कूटा है। गलत, तुम इस धरती पर बोझ बनकर लदे हो, तुम आदमी नहीं गधे हो। बहती हवा को मोड़ दूं, जी चाहता है तुम्हारे सारे के सारे दांत मैं तोड़ दूं। मैंने तुझे क्या समझा, तू क्या निकला? अमेरिकन पुलिस ने तेरे बजाय कर दिया होता मुझे अंदर, अगर वहां से भागना होता साड़ी पहनकर। मेरी ब्यूटी देख के लोगों की नजर बिगड़ गई और मर्द बटालियन मेरे पीछे पड़ गई। रेगिस्तान का घोड़ा ऊंट है और तुम्हारी हर बात झूठ है, तू इंसान की शक्ल में भूत है। भाड़ में जा। अरे मामा इधर नहीं भाजे, तू आ। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। तो इतना चाट क्यों रहा है? अगर गोबर भरा है तो ले, थोड़ा चाट ले। चाट चाट क्या है? इनके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये तो शक्ल से भिखारी लगते हैं। ये प्रॉपर्टी अपने हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। डन। ओके। लगाना झटका। हम दोनों तो मजाक कर रहे थे, घर पे हमारे अलावा और कोई नहीं रहता, इसलिए हम दोनों ये पागलपंती कर रहे थे। अभी अभी अनाथ हुए हैं। बड़े मजाकिया है मामा। ये है मेरी बड़ी बुआ। तो हाले स्टूडेंट लग रही हैं। और ये इनके एग्जाम और ये रहा रिजल्ट। हाँ ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर और ये प्रिंट आउट। शादी वहाँ करो जहाँ ससुर मालदार हो, लड़की कैसी भी हो मगर साली जान। मुझे देखकर मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ गए इसे? मेरा नाम रागिनी है, मैं कुंवारी हूँ। ओ रागिनी, आप MMS नहीं बना रही? कैसे बनेगा, कोई मिला ही नहीं। What? But why? मेरी कटीली अदाएं देखकर वो मेरे पास आने को डरते हैं। Shameless, mannerless, senseless, brainless. जब कभी मेरे हाथ लगेंगे तो मैं उनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। 36-24-36 ये तन तुम्हारा ब्रेड जैसा, चेहरा मक्खन, बस सॉस की कमी है। मेरी किस्मत ही खराब है, बाकी सब ठीक है। नो, किस्मत को दोष मत दो। बदकिस्मत है वो इंसान जो तुम्हें ना पा सका, जिससे तुम्हारी शादी होगी वो सबसे लकी लड़का होगा और उसे बीवी के साथ माँ का प्यार भी मिलेगा। वो लड़का कोई और होगा, मैं नहीं।
वो खुशकिस्मत होगा, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। नहीं प्लीज ऐसा मत कहो। Why? ऐसा लड़का जो बचपन में बातें बचपन की करे, जिसका स्टाइल देवानंद जैसा हो, बताओ कैसा। मेरे परमेश्वर। ये मेरा मुरब्बा बनाकर शादी के बाद अब्बा बनाएगी। तुम्हारी वाइफ तो बहुत सुंदर है। इसीलिए तो शादी की। हाँ, लेकिन आपने उसे कहाँ देखा? ये फोटो कहाँ से मिली? आपके कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट करके निकाला है। ओह, यही है मेरी वाइफ। हमें पता है। ये फोटो कहाँ खींची तुमने? एयरपोर्ट पर, वो मुझे छोड़ने आई थी तब। अच्छी है ना? अगर वो आपको छोड़ने आई थी तो फ्लाइट में कैसे? ये उस दिन की फोटो नहीं है, ये किसी दूसरे दिन की है। अगर दूसरे दिन की फोटो है तो सेम ड्रेस कैसे पहनी है? तुम खुद ही बताओ। नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम। लड़की खूबसूरत है। कौन है ये? हमारे दोस्त की लड़की है, किशन से इसकी शादी करवाएंगे। मामा भांजा ने कसम खाई है कि हम कभी शादी नहीं करेंगे। सच्ची खाई है? झूठी कसम नहीं खाते। क्या मामा, क्यों बिलावजह इनको मामू बना रहे हो? संध्या मेरी वाइफ है और हमारी शादी को 3 साल हो गए। तुम्हीं ने तो कराई थी शादी। शादी 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 के बाद हस्बैंड की बैचलर डिग्री छिन जाती है। तुम बौखला गए हो। तुम चुप करो। कहा था ना कि छड़ा रहना आजादी है और शादी बर्बादी है, इसलिए तो तुमने माया को तलाक दिलवाया था। तुम्हारी ही वजह से मैं बाप नहीं बन सका। अरे वक्त आने पर सचिन ने अंजलि से शादी की कि नहीं, अभिषेक ने ऐश्वर्या के गले में हार डाला कि नहीं, तो मैंने भी डाल दिया। क्या बोल रहा है? किए कराए पर पानी मत फेर मामे। ओह, क्या है कि मजाक में पैदा हुए ना, इसलिए मजाक करने की आदत है। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। वो क्या? मेरे लाल, अमेरिका में हर फ्लाइट का एक ड्रेस कोड होता है। तो फ्लाइट में सब लोग ने एक ही जैसे ड्रेस क्यों नहीं पहनी है? आप लोग हमारी लव स्टोरी जानना चाहते हैं? हाँ, क्या है? अमेरिका में जब मैं अकेला था तो। अकेले कैसे होंगे, भाभी तो साथ है ना। शट अप यू हिस्ट्री की दुकान। तत्काल रिजर्वेशन निकालना और तत्काल झूठ बोलना कितना डिफिकल्ट है। यू कंटिन्यू। तुम्हें अमेरिका से आए हो? देख के तो नहीं लगता। मैं और तुम्हारे दादाजी इतने से थे तब से लुंगी आए आ रहे हैं, क्योंकि मैं लंगोटी नहीं पहनता था ना। हाँ, उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और वो अमीर हो गया। मैं राजनीति में कुछ नहीं उखाड़ सका, इसलिए सिर्फ गांव का मुखिया ही रह गया, समझे? आजा, आज से दोस्त तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म। यार मुझे इस बात की बड़ी टेंशन रहती है कि तेरी किसी दिन मौत हो गई तो इन सब का क्या होगा, इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा, क्योंकि तुम्हारे दोनों दामाद किसी काम के नहीं हैं। इनके पुर्जे इतने खराब हो गए हैं कि कबाड़ी भी हाथ जोड़ लेगा इनसे। पर मेरे दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान ने मुझे एक रास्ता बताया, और वो है मेरा होनहार बेटा। नमस्ते। मेरा बेटा राइफल तुम्हारी गोली जैसी आंखों वाली पोती से प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करने की बहुत जिद कर रहा है। अबे अब क्या शर्मा रहा है, बोल दे आई लव यू शव यू, वो करते है ना। अबे फ्लाइंग किस तू करता है या मैं कर दूं? बलदेव, हम पिछले 25 सालों से एक दूसरे से लड़ते आए हैं। मैंने 30 केस तुम्हारी तरक्की रोकने के लिए किए, मगर वो रुकी नहीं। अब मैं अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, यही सोच रहे हो ना? सोचना छोड़ो, ओके बोलो, वरना ऊपर का टिकट कटाओ। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, अब तुम जाओ। अरे बात तो सुनो बलदेव। वो किशन, इन्हें इज्जत से बाहर करो। चल रहे। देखो बाबू, ये अमेरिका नहीं है जहाँ बच्चा हो जाने के बाद शादी होती है, ये इंडिया है, यहाँ शादी की वजह से बच्चे होते हैं। एक और बात, आसपास के इलाकों में दिन दहाड़े आदमी को काट के खेतों में फेंक देते हैं, 1,000-2,000 के लिए तो किसी को भी ट्रक के नीचे कुचल देना यहाँ बड़ी आम बात है। ये कितनी भयंकर बात है ना, तेरी समझ में तो आ गया। अब यही बात अपने बूढ़े दादा को जाकर समझा। देखो
तुम खामखा मेरे गले मत पड़ो, समझी? अब गले पड़ने की बात करें, मैं तो आपके चरणों में पड़ी रहना चाहती हूँ। इनकार मत कीजिए, झूठा ही सही, प्यार तो कीजिए। ये तो गले से कदमों तक पहुँच गई। देखो मेरा कल पेचीदा है, मेरा कई लड़कियों से टाका भिड़ा और चक्कर चल रहा है, कई लड़कियों से। लगता है मुझे लड़की पटाने के लिए ऊपर वाले ने नीचे भेजा है, समझ गई? मैं और मेरा कैरेक्टर दोनों ही ढीले हैं। वाह, तब तो कुंडली मिलाने की कोई जरूरत नहीं, मेरी तरह ही तुम्हारा कैरेक्टर भी ढीला है। हाँ समझो, मैं जानती थी देर से ही सही, पर मुझे एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही मिलेगा। एक दूसरे के होकर जन्मों तक साथ निभाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो सही है, है? मैं जन्मों जन्म आपका साथ दूंगी, आपके बच्चों की माँ बनूंगी, आपको कभी तंग नहीं करूंगी। सच कसम खाती हूँ, मुझे अपना बना लो ना। मैंने हवा को साक्षी मानकर आपको अपना पति मान लिया है। लगता है इसका कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो भैया, भाभी आई है। भाभी? भाभी कौन? संध्या। और कौन? संध्या, वो बहुत सुंदर है, तुम जल्दी आओ। वो बिजली की तरह है, कभी भी आ सकता है। लो आ गया। ये सब लोग मुझे तुम्हारी वाइफ क्यों बोल रहे हैं? इंडिया में सुंदर लोगों को वाइफ ही कहते हैं। मुझे भी वाइफ बोल रहे हैं। आप कौन हैं? अगर ये तुम्हारा हस्बैंड है और इसकी माँ मेरी बहन है, तो तुम्हारी सास का इंतजार है। ये जो कह रहे हैं, इनका क्या मतलब है? अगर ये मेरे मामा है तो मैं इनका भांजा हुआ, अगर तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हुआ ना। तुम क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ ये अच्छा है, अभी तक तुम दोनों ही मजाक कर रहे थे, अब ये भी आ गई है। ये सब क्या हो रहा है? अरे संध्या यहाँ से चलो, वरना हमारी टांग के साथ और भी बहुत कुछ खींच लिया जाएगा। तो एयरपोर्ट वाली फोटोज ने इन्हें कंफ्यूज कर दिया है, और उससे भी ज्यादा तुम्हारी ये जबरदस्त एंट्री ने। तुम्हारा टैबलेट मेरे बैग में रह गया था, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें मिलकर सरप्राइज दूंगी, लेकिन मैं तो खुद ही सरप्राइज हो गई। सॉरी टू बॉदर यू, मैं चलती हूँ। पर तुम कैसे जाओगी? सिंपल, ऑटो नहीं मिला तो बस से। मतलब मेरे घर वाले गलती से तुम्हें मेरी वाइफ समझ बैठे? तो क्या हुआ, कुछ और कहो, ये नहीं होगा। आई एम सॉरी, पर मेरे दादाजी हार्ट पेशेंट है। अगर तुम्हें अपने परिवार की और अपने दादाजी की इतनी फिक्र है, तो तुम दूसरी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है। अरे यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है? हाँ, उसका नाम माया है। माया और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बार मैंने उसकी फोटो फेसबुक पर लाइक नहीं की तो वो नाराज हो गई। वो मुझसे नाराज हुई है, तब से मेरा खर्चा तो कम हो गया है, लेकिन मेरे दिल का फ्लैट खाली हो गया है। मैं उसे बताने ही वाला था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तभी दादाजी का फोन आया कि वो मेरे बिना नहीं रह सकते, इसीलिए मैं इंडिया आ गया। भले ही मैं अमेरिका में पला बढ़ा, लेकिन मेरा दिल हिंदुस्तानी है। क्या? आई मीन, बंधन कच्चे धागों का, यही तो हमारा कल्चर है। सॉरी किशन, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझ सकी, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा बच्चों के लिए स्पॉन्सर ढूंढने, तुम्हें तो पता ही है कि उन बच्चों के पास ज्यादा वक्त नहीं। अरे अगर तुम्हारी यही प्रॉब्लम है तो बच्चों को मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, उनके ट्रिप का खर्चा मैं उठाऊंगा, साथ में खाना पीना भी। पर ये इसलिए नहीं कि तुम मेरी मदद करने जा रही, मैंने तो उसी दिन सोच लिया था जब उनसे मिला था। थैंक यू सो मच किशन। अगर तुम सिर्फ 3 दिनों के लिए मेरी वाइफ बन जाओगी ना, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखो संध्या, मेरी रिक्वेस्ट को ठुकराना नहीं, प्लीज। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कर रही थी। आप मेरी पसंद के बारे में पूछ रहे थे ना, तो मैं आपको बताती हूँ। उसकी अच्छी फैमिली होनी चाहिए और वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करे। वो रिश्तों में यकीन रखने वाला हो और अपने रिश्तों को जिंदगी भर निभाए। ओके। अगर मैं कभी रूठ जाऊँ तो वो मुझे मना ले। क्या मतलब?
मतलब किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर ना देखे, सिर्फ बीवी को देखे। संध्या, तुम सपने में तो बात नहीं कर रही, या कोई फिल्म तो नहीं देख रही हो? नहीं, क्यों? ऐसा इंसान तो सपनों में या कहानियों में मिलता है, असल जिंदगी में नहीं। सपनों की दुनिया से सच्चाई में आ जाओ संध्या। ओके, बाय। भाई साहब, आपने मंदिर तो बनवा दिया है, मगर आज तक आपकी फैमिली में से किसी की भी शादी उस मंदिर में नहीं हुई। कम से कम इस बार अपने पोते को तो घोड़ी चढ़वा दीजिए। तुम हमेशा तोते की तरह काम काम करते हो, कभी कभी चुप भी रहा करो। बलदेव, तुमने शादी के लिए मंदिर तो बना दिया, वो भी बहुत पहले, मगर अभी तक तुमने अपनी फैमिली में से किसी की भी शादी उस मंदिर में नहीं करवाई। कम से कम इसे तो घोड़ी चढ़ा दो। मैंने भी तो यही कहा था। और तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत थी। ठीक है, मान लिया तुमने भी यही कहा था। बेटा, तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद तुम्हारी दादी घर से बाहर बहुत कम ही निकलती हैं। कम से कम तुम्हारी शादी के मौके पर उन्हें थोड़ी खुशी तो मिलेगी। क्या कह रहे हो, काम की बातें करो। बेटा, तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद तुम्हारी दादी घर से कम ही बाहर निकलती है, कम से कम तुम्हारी शादी के मौके पर उन्हें खुशी मिलेगी। अरे, इन्होंने भी तो यही कहा है। उसने कहा था, मगर मैंने एक्सप्रेशन के साथ कहा। इसका कान ड्रिल मशीन डाल के साफ करना पड़ेगा। पहली बार सही बात कही है, मुझे साफ सुनाई दिया। सुनो बेटा, इसने क्या कहा, इसने क्या सुना, और मैंने अभी अभी जो कहा है उस पर जरा गौर करो ना। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का मौका चाहिए, मुझे एक महीने का टाइम दीजिए। अंकल, कल तक पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे ना? हाँ, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हम पहले से ही प्रॉब्लम के खतरे के निशान के ऊपर हैं। इतनी बड़ी रकम अमेरिका ट्रांसफर करने की बैंक हमसे वजह पूछ रहा है, इसलिए हमने ये तय किया है कि तुम्हें इस ट्रस्ट का मेंबर फौरन बना दिया जाए। तो देर किस बात की, बना दीजिए ना। पर दादाजी चाहते हैं तुम्हारी वाइफ भी मेंबर बने। तो बनाओ ना, वो भी तो इसकी असली और सचमुच की वाइफ है। तो ठीक है, अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे दो, कल सुबह तक पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन इस काम के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है उन्हें? शादी होने दो, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा तुम्हें। एक काम करता हूँ, तुम दोनों कल सुबह मंदिर चलो, तुम उसके गले में मंगलसूत्र बांध देना, मैं फोटो ले लूंगा और सर्टिफिकेट की जगह फोटो दिखा दूंगा। यानी फिर शादी? इसी बहाने मैं तुम्हारा घर बसते हुए देख लूंगा, ना मत कर। पर दादाजी, फोटो के लिए वो फिर से? अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि वो सिर्फ फोटो के लिए तुमसे दोबारा शादी नहीं करेगी? राइट राइट राइट, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं, मैं बात करता हूँ उससे। हां, ऑल द बेस्ट। संध्या बेचारी कितनी मासूम है माँ, उसे मैं अपने मतलब के लिए परेशान करता रहूं। ओ, तुम आ गई, जल्दी से अपना बैग पैक करो और निकलो। पर हुआ क्या? इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा, और हमारी दावत खाने के चक्कर में सचमुच हमारी शादी करवाना चाहते हैं। शादी? इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ, बैग उठाओ और भागो यहाँ से, भागो जल्दी। ओके। हे भगवान, उम्मीद तो कम है, लेकिन मेरे दादा को हार्ट अटैक से बचा लो भगवान। ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है क्या? हाँ, लेकिन हम दोनों को साथ देखकर वो बहुत खुश हैं। अगर थोड़ा सा भी सदमा लगा तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो। या तो दादाजी की मौत हो जाएगी, या समाज में हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। अब तो जो होता है हो जाने दो, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। संध्या, मैं चाहता हूँ कि ये शादी हो जाए। जब से मेरा बेटा घर छोड़कर गया है, तब से इस घर में कोई फंक्शन नहीं हुआ। इसे इस बुड्ढे की आखिरी इच्छा ही समझ लो। कम से कम मैं अपने पोते की शादी तो देख लूं। जो आपकी इच्छा। अरे, ये क्या किया तुमने, हाँ कर दी? बच्चों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के अलावा मैं उनके लिए और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर इनकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी तो इनकी बाकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, इसीलिए हाँ कर दिया। क्या हुआ? आई थिंक मैं अपना फोन भूल गई हूँ, क्या मैं तुम्हारा फोन? जरूर। थैंक यू। साला मवाले कहीं का। आओ। हेलो। अबे ओ, फोन क्यों किया था? ए, क्या कह रहा है, कब किया? अबे चटनी के, तूने फोन नहीं किया तो क्या अपने आप ही घंटी बज गई? पेश है तेरे लिए बैड न्यूज, दो दिनों में मेरी किस्मत चमकने वाली है। ओ, ऐसा क्या, नकली नोट छापना शुरू कर दिया क्या? कोई नकली नोट छापना शुरू नहीं किया, लेकिन ये काम हो जाने के बाद
तेरी नींद और तेरी बहन हमेशा के लिए छिन जाएंगे। अबे तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। भगवान मुझे सारे दुख दे, मेरी इनसे शादी करवा दे बस, मुझे गोनी भर के पैसा दे, इनकी बीवी बना दे, बुढ़ा बना दे मुझे, और मुझे बुढ़े की लाठी। मैं मानती हूँ उम्र में मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको वो सब कुछ दूंगी जो आप चाहते हैं। आज तक आपकी जिंदगी में जितनी भी लड़कियाँ आई हैं, मैं उन सबसे ज्यादा प्यार दूंगी, आपको यकीन कीजिए मेरा। आज तो पटाखा लग रही हो। ये हमारी पुरखों की निशानी है, इसे पहन लो। नहीं, इसकी क्या जरूरत है बेटी। हमारी परंपरा है कि यह हार अपने घर की बड़ी बहू को दिया जाए। ये किशन की माँ को देना था पर दे न सका। अगर तुम इसे पहनोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। पहन लो बेटी। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम दोनों 6 महीने में लौट आओगे, पर दुख इस बात का है कि हमें तुमसे 6 महीने दूर रहना होगा। अरे पैसे 4 दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। क्या हुआ? शादी के लिए मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से राजी नहीं हुई, मैं इन सबको खुश देखना चाहती थी, लेकिन इनका सच्चा प्यार देख के मुझे डर लग रहा है। जब इन लोगों को पता चलेगा कि हमारी शादी हुई नहीं है तो सोचा है कि इनके दिल पर क्या बीतेगी। आज तेरे साथ हनीमून मनाऊंगा, तभी तेरे घर वाले शादी के लिए राजी होंगे, सारा घमंड टूटेगा। परसों मेरी छुट्टी है तो हम, वो खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ ठीक समय पर पहुंच गए। उसे क्या हुआ है डॉक्टर? अपेंडिसाइटिस। अभी थोड़ी देर पहले तो मंदिर में सबसे हंस बोल रही थी डॉक्टर, फिर ये अचानक अपेंडिसाइटिस का दर्द कैसे उठा? अचानक नहीं, कल दोपहर से उनके पेट में दर्द था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं क्योंकि फैमिली फंक्शन में कोई रुकावट ना हो। पता नहीं इतना दर्द उसने कैसे सहन किया होगा। ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा, 24 घंटे में वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, टेंशन मत लो। दैट्स ओके, मगर इतना तेज दर्द इतनी देर तक बर्दाश्त क्यों किया? हमारे लिए, वो तुमसे बहुत प्यार करती है किशन, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तुम्हें खुश देखकर उन्हें खुशी मिलती है, वो तुम्हारे साथ अपना हर एक पल बिताना चाहती है। प्यार के सामने दर्द महसूस नहीं होता। तुम लकी हो, ऐसी प्यार भरी फैमिली सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। कभी इन्हें हर्ट मत करना। सॉरी बेटा, बहुत कोशिश की पर दर्द बर्दाश्त ही नहीं हुआ। सोच रहा हूँ कि रागिनी के साथ 7 फेरे ले ही लो। अच्छा।
गोला ने हम पर जो केस किया है उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने नोटिस भेजा है। कैसा नोटिस भेजा है कोर्ट ने? आखिर कब तक लड़ेंगे हम ये केस? अंकल आप फिक्र मत कीजिए, ये केस हम जीत जाएंगे। कब जीतेंगे? मेरे मरने के बाद? लोअर कोर्ट में 10 साल से लड़ रहे हैं, फिर हाई कोर्ट में लड़ेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। मेरे मरने से पहले मैं केस खत्म करना चाहता हूँ। उससे बात करो और पूछो कि वो क्या चाहता है और उसे दे दो। अगर हम उसकी मांग पूरी करेंगे तो हर कोई हमें धमकाएगा और इसका फायदा उठाएगा। तो इस समस्या का हल क्या है? पत्ता फेंक। अब तो किंग आएगा तभी मजा आएगा। पत्ता उठा रहे। अरे बाप रे, किंग आ गया। हाँ तो किंग आया तो अच्छी बात है। इसमें कुत्ते की औलाद, आज तेरी कब्र यही बनेगी। टपका जाओ। मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। ट्रक से कुचल कर धोखे से मार देना नामर्दों का काम है, शेर शिकार खुले मैदान में करता है। आई बात समझ में? सब समझ में आ गया बेटा। हम केस वापस ले लेंगे और कल सुबह ये इलाका छोड़कर कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे हम। हाँ। आप लोग दादाजी का सहारा बनो, उन पर बोझ नहीं। अगर आप लोग सही होते तो ये परिस्थिति नहीं आती। बबीता दादाजी के सेक्रेटरी किरण से प्यार करती है। किरण पढ़ा लिखा और अच्छे खानदान का है। मैंने इंक्वायरी की है, बेहतर होगा आप उसके माँ बाप से बात करके इसकी शादी करा दें। ठीक है बेटा, इस खानदान में तुमसे ज्यादा जिम्मेदार और कोई नहीं। तुम जल्दी वापस आना, हमारा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। किशन? हाँ? मैं तैयार हूँ। मेरा पोता अमेरिका जा रहा है लेकिन जल्दी वापस आने वाला है। इसकी मंगल यात्रा के लिए आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी दादी की जिंदगी में तुम्हारी वजह से खुशियां आई। आज से एक महीने बाद रामनवमी है, तुम उसके पहले आने की कोशिश करना, दादी को अच्छा लगेगा। संध्या ना तो मेरी बीवी है और ना ही मेरी उससे शादी हुई है। जितना अच्छा इंसान आप मुझे समझते हैं उतना मैं हूं नहीं। मैं रिश्ते को सिर्फ बोझ समझता था। मेरा मानना था कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैं यहां आपसे मिलने नहीं, पैसे हड़पने आया था। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार झूठ बोला है लेकिन आप जैसे नेक दिल इंसान के सामने अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे दिल में हमेशा के लिए कसक रहेगी। अगर सच नहीं बोलता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। रिश्तों में छोटी छोटी परेशानियों को देखकर मैं उनसे दूर भागता था लेकिन आज एहसास हुआ कि मैंने कितनी कीमती चीज खो दी। बहुत बड़ी भूल की मैंने। जब आप कुछ अचीव करते हैं तो लोग आपको शाबाशी देते हैं,
अगर लाइफ में कभी प्रॉब्लम हो तो परिवार ही है जो आपके साथ खड़ा रहता है। असली मायनों में यही तो जिंदगी है। ये एहसास मुझे यहां आकर हुआ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ऑफिस छोड़कर चले गए हैं सर, जो बचे हुए हैं वो भी जॉब ढूंढ रहे हैं। केदारनाथ, आई एम सॉरी केदारनाथ, सालों से यहां काम करने वालों के नाम याद ना रखना मेरी गलती थी। अब जितने भी लोग काम करते हैं उनके नाम मैंने यहां पेस्ट कर दिए। तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, आज भले ही तुम चाय कॉफी बनाते हो लेकिन एक न एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। थैंक यू सर। पैसा मिल रहा है पर अब तुम उसे लेना नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं सारी प्रॉपर्टी बेच दूं पर फार्म हाउस बेचने से मना कर रहे हो। कुछ बदल से गए हो, तुम्हें हो क्या गया है? किसी चीज का मोल तब पता चलता जब वो चीज खो जाती है। दादाजी की कद्र मुझे आज पता चली। संध्या ने जब मंगलसूत्र लौटाया तब उसकी अहमियत समझ में आई। पहले वो फार्म हाउस मुझे प्रॉपर्टी जैसा लगता था लेकिन अब माँ बाप की परछाई नजर आती है। उनकी सारी यादें उस घर से जुड़ी हैं। इसलिए अब उसे नहीं बेचूंगा। कोई बात नहीं, अब भी हमारे पास 10 दिन हैं। लेकिन तुम संध्या से कब मिलवा रहे हो? सबसे पहले मैं उसे सारी सच्चाई बताऊंगा, फिर दिल की बात। उसे कहूंगा कि उसके बिना दुनिया में सब कुछ अधूरा है। उससे मोहब्बत का इजहार कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, पता नहीं उसे दिल की बात क्यों बे? फोन पे तो बहुत भाषण दे रहा था। देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm sorry। मेंटल समझा है क्या? लगता है मुझे यूं अचानक सामने देखकर डर गया है तू। माफी को अगर आप डर का नाम देना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपकी भूल है। ए, अपनी इस अकड़ को थोड़ा कम कर ले वरना याद रख जेल में जाकर अकड़ ढीली पड़ जाएगी। और अपने इस वकील को भी जेल की लाइफ की आदत डाल दे, चक्की पीसने की प्रैक्टिस कर लो। यू ब्लडी, इसको तो अरे अरे कुत्तों को तो भौंकने की आदत होती है, हम तो इंसान है यार। चल तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। पहले तुम्हें लड़ाई से मैं रोकता था और अब तुम रोकते हो। हेलो क्या हो रहा है? बीवी से बिछड़कर 15 घंटे हो गए हैं। वो ठीक से घर पहुंची कि नहीं पहुंची ये जानने की कोशिश नहीं की? I'm very sorry। मुझे लगा तुम बिजी होगी। कल फ्री हो? हाँ क्यों? साथ में लंच करें? हाँ क्यों नहीं, कोई खास बात है क्या? क्यों आम बात के लिए नहीं मिल सकते? हाँ
किशन, मैं बताऊं तुम्हें वो कल जरूर प्रपोज करेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुझ जैसे सैंपल को प्यार हो सकता है तो फिर उसे क्यों नहीं। हे, वो आ गई, बाय। संध्या, एक्चुअली एक्सक्यूज मी, आर यू संध्या? क्या तुम ही मुझे बार बार कॉल करके मिलने की जिद कर रही थी? और हर बात का फैसला गुस्से में नहीं होता है माया, तुम्हें पता नहीं है ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं। He loves you so much. ये सोते जागते उठते बैठते सिर्फ तुम्हारा ही नाम जपते रहते हैं। इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन ये तुम्हारे पीछे पागल है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसा प्यार मिला। सीरियसली, आई फील जेलस ऑफ यू। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? इस अय्याश के बारे में? कहीं इसका भी कल्याण तो नहीं कर दिया? लड़की इसके लिए खिलौना है और प्यार इसके लिए एंटरटेनमेंट और रिश्ते सिर्फ बेड तक। इसे तो ये भी याद नहीं होगा कि इसने कितनी लड़कियों के साथ रातें गुजारी होंगी। लड़कियों को ऑफिस में क्यों रखता है? सिर्फ अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए। इसका मूड हुआ तो तुम्हें आधी रात को भी कॉल करके बुलाएगा और काम तमाम हो जाने पर तुम्हारा कॉल भी नहीं उठाएगा। गर्लफ्रेंड्स इसके लिए पैरों की जूती है। पुरानी होते ही उतार कर फेंक देना इसकी फिलॉसफी है। इसकी जिंदगी का मकसद ही है नई नई लड़कियों के साथ खेलना। आजाद पंछी की तरह रहो, नो रिश्ता नो झमेला। दिल करता है इस खून पीने वाले खटमल को मसल कर रख दूं। इससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। जैसे मुझे इस्तेमाल किया वैसा इसे मत करना। संध्या, मेरी बात सुनो। जब लड़की किसी से शादी करती है तो वो खुद को पति के हवाले करती है और उसका पति उसके लिए भगवान होता है। मुझे लगा था कि तुम प्यार के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हो, पर मेरी सोच गलत थी। अचानक संध्या, संध्या कहाँ हो बेटा? संध्या कहाँ हो? हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं पहुंच गया हूँ, सामने ही खड़ा है। लो बात करो, ले बात कर ले। हेलो, कैसे हो बेटा? संध्या ठीक है ना? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। तुम हमें अपने दिल के करीब लाना चाहते थे इसलिए तुमने सच्चाई बताई है। अगर तुमने छुपाया होता तो आज हमारे करीब नहीं आ पाते। दादाजी, यू आर ग्रेट। जब तुमने कहा था कि मुझे माफ कर दो दादाजी, तभी मैं समझ गया था कि तुमने हमें अपना समझा।
ये बदलाव संध्या की वजह से है। रिश्तों की अहमियत, अपनापन, ये सब उसी ने सिखाया। और अगर वही मुझसे नाराज हो जाए तो मैं कैसे जीऊंगा? कल तक रिश्ते को मैं बोझ समझता था, लेकिन आज उन्हीं रिश्तों की मैं कदर करता हूं। अगर वो मेरे साथ रहे तो मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं। आखिर मैं उसे कैसे मनाऊं? उसे अपने प्यार का एहसास कराओ। जिससे आप प्यार करते हैं उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे निगाहें चुराने या उससे दूर भागने से तुम्हारी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। इसी वजह से मैंने तुम्हारे पिता को खो दिया। मुझे उससे जुदा होने का बहुत दुख हुआ, पर मैं कभी उसके नजदीक भी नहीं गया। इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को इंडिया वापस आने के लिए कहा, पर उसने इनकार कर दिया। अगर मैंने एक दो बार कोशिश की होती तो तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिता वापस आ जाते। अगर तुम किसी को भी अपना अहंकार दूर रख के दिल से पुकारोगे तो जरूर तुम्हारे पास लौट आएगा। बेटा, जो गलती मैंने की है वो तुम मत करो। वो तुम्हारी बीती हुई जिंदगी से नफरत करती है तो तुम उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ दिखाओ। तुम में बदलाव देखकर वो तुम्हें जरूर प्यार करेगी। इतनी दूर से मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारे राम मंदिर में शादी करने के बाद कभी जोड़ी टूटती नहीं है। रामनवमी आज से 15 दिन बाद है, तुम्हें संध्या के साथ आना होगा। रिश्ते निभाने से मजबूत होते हैं बेटा, भुलाने से गहरे रिश्ते भी टूट जाते हैं। अगर तुम किसी को भी अपना अहंकार दूर रख के दिल से पुकारोगे तो जरूर तुम्हारे पास लौट आएगा। I'm trying to get that sponsor. Hi. Hi. Hi, संध्या, 2 दिन से कहाँ थी? मेरा फोन भी नहीं उठाया। इंडिया से आए बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। स्पॉन्सर ढूंढ रही थी सर, इसलिए। डोंट वरी, स्पॉन्सर मिल गया और उसने जिम्मेदारी निभाने का वादा भी किया है और पैसा भी जमा करा दिया, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो भी ट्रिप पे तुम्हारे साथ जाएगा। तुम मना नहीं करोगे इसलिए हमने भी हाँ कर दी। यस, हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज सिट। जी, इन बच्चों की आखिरी ख्वाहिश बहुत महंगी है, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसा स्पॉन्सर मिला। इट्स ओके, आप आखिरी वक्त पर आए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इनसे मिलिए, ये संध्या है। हाय। हाय। सच्ची? हेलो संध्या। हाय अंकल। हे, चले संध्या। डॉक्टर अंकल अभी तक नहीं आए। डॉक्टर? कौन से डॉक्टर? हेलो, मैं डॉक्टर SMS राज, दिल का डॉक्टर। अंकल, मेरे दादाजी ने आपके लिए लड़की ढूंढी, फिर पापा ने, और अब मैं ढूंढ रही हूँ। अब आप कुंवारे नहीं मरेंगे। कुंवारे मरे मेरे दुश्मन, मुझे अप्सरा चाहिए। समझी। मैंने बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस का नाम दिया था, उन्हें फोन किया? किया था, लेकिन उन्होंने कहा आपकी हाइट थोड़ी कम है। क्या कहा? हाइट कम है? उसको बोलो हम सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे। नहीं अंकल, हटाओ बॉलीवुड को, हॉलीवुड को मौका देते हैं। हॉलीवुड रहने दीजिए, किसी बेसहारा लड़की को सहारा दे दीजिए, मेरी बात मानिए। लेकिन हॉट सेक्सी बेसहारा मिलेगी कहाँ? एक टांग कबर में लटकी है, दूसरी केले के छिलके पर, और बुढ़ा जवानी ढूंढ रहा है। लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने 24 घंटे के अंदर मेरे लिए लड़की नहीं ढूंढी तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम लोगों के लिए छोड़ो, खुद के लिए भी पार्टनर ढूंढ नहीं पाओगी। एक्सपीरियंस होल्डर किसी को चाहिए ही नहीं। संध्या, कम इस भालू को कहीं देखा है? हेलो, आपको 60 साल की कमसिन क्यूटी चलेगी? 9-60 लग जाएगी वाट, 2-30-30 की हो तो भी मैं खुशी खुशी मैनेज कर लूंगा। नहीं नहीं सर, अभी स्टॉक में यही माल अवेलेबल है, और फिर गंगा जल पीने की उम्र में आपको वोडका शॉट कहाँ से मिलेगा? देखिए, मुझे आपके गोडाउन में पड़ा पेटी पैक पीस चाहिए, माल वारंटी गारंटी और एक्सपायरी डेट के साथ भेजना। है बुढ़ा पर चीते सा है। सुनो, इस चीते को हिरनी जैसी फास्ट लड़की चाहिए। बुढ़िया की 4 शादियाँ हो चुकी है। तो मैं 5वीं करूँ? मैं एक्स्ट्रा लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं एक राय दूँ, इस उम्र में कली नहीं मिलेगी, गोभी का फूल ले लो। समझ गए सारी बातचीत। लाउड स्पीकर, स्पीकर ऑफ कर, ताजा माल ढूंढ। आई वांट फर्स्ट कॉपी, ज़ेरॉक्स नहीं। लॉक कर दूँ ना? कर दे। ओया मान। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। सोच समझ कर शादी करना, औरत यानी नर्क का द्वार। मुझे गलत मत समझना, आपको नहीं कहा, ये देखिए इस भूतनी को कहा। मासूम चेहरा देखकर कोई यकीन करेगा कि इस लड़की ने शादी के बाद मुझसे
कपड़े धुलवाए, बर्तन मंजवाए और एटीएम की तरह इस्तेमाल किया मुझे। 5 महीने में डिवोर्स 5 करोड़ का चूना, बजा गई मेरा तुनतुना। इसको कहते हैं खिलाड़ी सर, इसे कोई ट्रेन कर रहा है सर, और वही हमें नचा रहा है, नर्क में जाएगा। आपने कुछ किया क्यों नहीं? उसे कभी देखा नहीं था ना, मिल जाता तो उसके टॉन्सिल्स पकड़कर झटपट ऊपर पहुंचाने का प्लान था। बिल्कुल सही सोचा है। तुम लोग बैठो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। पीछे होकर बैठ जाओ। क्या लव प्रॉब्लम है? लव प्रॉब्लम? लव प्रॉब्लम लगता है। लव प्रॉब्लम है क्या? क्या ऐसा क्या हुआ? उनके गाल पर किस किया, मेकअप खराब हो गया, इसलिए नाराज है। अच्छा, सोते समय इसने मैडम के गाल पर किस किया था? मैडम के गाल पर किस किया था? गाल पर किस कर दिया था क्या? शर्म नहीं आती बच्चों के सामने ऐसी बात करते हो? अरे दीदी, ये तो मामूली बात है। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं सब जानता हूँ, मैं भी प्यार में 2 बार फेल हो चुका हूँ। चुप हो जाओ। कहाँ चले गए थे आप? क्या हुआ? आप मुझे छोड़कर मत जाइए। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे और प्यारे हैं। रियली? जब मैंने पहली बार आपको देखा था तभी मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ कह ही नहीं पाई। Which country are you from? Is this a business trip? No, holiday. Are you traveling alone? Oh, no, no. Good night. Pass karo. Good night. Good night. Good night. How are you? Yeah, I'm all fine. Well? No problem. No problem at all? You? I'm not feeling well. Bathroom. Excuse me. तुम जिंदगी में एक बार एस्ट्रोनॉट की तरह जीरो ग्रेविटी में जाना चाहती थी ना? लो हम आ गए। लोहे के सामने चुंबक आएगा तो चिपकेगा ही ना। ये ड्रामा बंद करो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? ज्यादा भोले मत बनो, मुझे पता है तुमने ये ट्रिप क्यों स्पॉन्सर किया है। माना कि मैं पहले बुरा इंसान था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। तुमसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए ही तो मैं इस ट्रिप में। झूठ, तुमने कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, काम निकलते ही तुम मुझे भी छोड़ दोगे, जैसा तुम पहले दादाजी के साथ कर चुके हो। तुम्हारे झांसे में मैं नहीं आने वाली। इनको मिलाने के लिए ना स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा। मिलावट करना तो मेरा पेशा है, तभी तो लोग मुझे मिक्सर कह के बुलाते हैं। हेलो, एवरग्रीन बोल रहा हूँ। तुम्हारी छुट्टी, फिलहाल मेरे लिए लड़की ढूंढना बंद करो। तो
लड़का ढूंढूं? मजाक बंद करो, मुझे लड़की मिल गई। या तो आप किस्मत वाले हैं या वो बदकिस्मत। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, फोन रख। वेलकम वेलकम, मुझे देखकर चौंक गए। हनीमून पर अपने ड्राइवर को साथ क्यों लाई हो? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम लोगों ने मुझे 6 महीने में दादा बनाने का वादा किया है, पर संध्या कोऑपरेट नहीं कर रही क्या? ये सच है? हेलो। ये दुनिया कितनी छोटी है भाभी जी। जिस फाउंडेशन में मैं 10 साल से हूँ, वहाँ संध्या वॉलंटियर है और अपने पति के साथ यहाँ काम से आई है। सच में? और नहीं तो क्या। एक मिनट लीजिए, संध्या से बात कीजिए। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। तुम तो वहाँ जाकर हमें बिल्कुल ही भूल गई। आगे से फोन नहीं किया तो 2 थप्पड़ मारूंगी। जी वो ओके आंटी, बाय। तुम उन्हें कब तक धोखा देते रहोगे? यहाँ मेरी क्यों बैंड बजा रही हो? तुम्हारा हस्बैंड वहाँ बैठा है, वहाँ जाके बैठो। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? मैं पहले बहुत शरीफ था, लड़कियों के मामले में गरीब था, पर तुमने मुझे अपने पास बिठाया, मीठा बोल के चने की झाड़ पे चढ़ाया, मेरे मासूम दिल में घुसी बसी, फिर भी न फंसी। अब पता चल रहा है कि तुम अपने हस्बैंड को भी साथ लाई हो। मेरी पुंगी बजा देता तो। SMS जी, मैं एक राज बताऊं? बताओ। आपको माया ने छोड़ दिया उसकी वजह आप जानते हैं? उसकी वजह है ये किशन। और मेरी शादी सचमुच में नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा। सब समझ गया। You like me? अब तुम्हारे इस नकली पति को मैं चाय की पत्ती की तरह उबालूंगा। आप अपने घर क्यों लाए? रिश्तेदारों को क्या होटल में ठहरने देता? आज होली है, पहले वो मनाते हैं। पुराना मानो होली है। ना तुम मेरे बॉस हो और ना ही मैं तुम्हारा नौकर कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं। चाहे तुम होली खेलो या गोली, पर ये मस्तानों की टोली होटल में रुकेगी। जब से इसकी बीवी से छोड़कर गई है, खुशी के मारे इसके दिमाग का फ्यूज पूरी तरह गुल हो गया है। संध्या के साथ थोड़ी गलतफहमी क्या हो गई? बुड्ढा उसका फायदा उठा रहा है। अरे मंगल जी, इसे जरा होटल छोड़ाओ। ठीक है मिस्टर मिक्सर ग्राइंडर, होटल में अकेले नहीं जाऊंगा, संध्या भी मेरे साथ जाएगी। तेरे दिमाग में भूसा भरा है, धूप में खड़ा है, आग न लग जाए। मियां बीवी को अलग क्यों करना चाहता है कुत्ते? तुझे कुत्ता काट ले तो वो भी मर जाए कभी नहीं। मुंह में दांत भी नहीं है, जाकर अपनी कब्र के लिए आर्किटेक्ट ढूंढ। मिक्सर जानी, लगाम योर टंग, हम डॉक्टर हैं। तू डॉक्टर है? हाँ। मरीज लग रहा है। तुझ जैसे डॉक्टर हकीम से दवा लेकर खाते हैं। तूने जिनका इलाज किया है वो जिंदा भी हैं? वार्ड बॉय लगता है, एक्सपायर्ड मेडिसिन। अब भी कहता हूँ सुधर जा, वरना होटल नहीं हॉस्पिटल जाएगा। संध्या आ जाओ बेटा। अरे फाउंडेशन में कौन कौन है ये मुझे क्या पता, ये मेरी प्लानिंग नहीं है। जब इन्होंने होटल जाने के लिए कहा तब तुमने मना क्यों नहीं किया? चुपचाप क्यों खड़े रहे? जब वो उल्लू मुझे गालियां दे रहा था तब ये मजे ले रहा था। वो तो मैं तुम्हारे प्यार की वजह से चुप था, वरना उसके टॉन्सिल्स दबा देता ऑन द स्पॉट। मैं जानती हूँ SMS जी। थैंक यू डॉक्टर, यहाँ मजा आ रहा है ना? तू आ गया, यहाँ मेरी सेटिंग चल रही है और तू मुझे आउट करना चाहता है? अरे मुश्किल से कन्या मिली और तुम चाहते हो मैं घोड़ी चढ़ू ही नहीं? मेरे मोटे अरमानों पर पानी फेरो। दूसरों की शादी में 100 बार नाच चुका हूँ, जवान हूँ तब तक खुद की शादी में एक बार तो थिरकने का मौका दो। अब जाओ। जाता हूँ। संध्या, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, घर के किसी बड़े से मिलते हैं, उनसे कहते हैं हमें होटल पहुँचा दे। मुझे भी नहीं रहना, मैं आपके साथ चलूंगी। डॉक्टर साहब, क्या है? मुझे आपसे कुछ कहना है। बको। आपसे शादी के बाद मैं माया से कभी ना मिला ना बात की। मतलब कि तुमने वो कली नहीं तोड़ी जो मेरे बाग में खिली थी? ये कैसा एग्जांपल दे रहे हो? मेरी बीवी है मेरा सैंपल, मैं चाहे जैसा भी दूं उसका एग्जांपल। इस घर के मालिक से मिलकर तेरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा और तेरा कच्चा उतारूंगा। डॉक्टर तू एबनॉर्मल है क्या? हाँ। तो कच्चा उतारने की बात क्यों कर रहा है? SMS जब MMS बन जाता है तो खुद की भी नहीं सुनता। ऐसी बात मेरे दादाजी के सामने मत करना। घर के मालिक दादाजी हैं? हाँ, वो अंदर सो रहे, उनसे मेरी शिकायत मत करना। मतलब दादाजी उस कमरे में? दादाजी के जी, उनसे कुछ कहना नहीं।
गया। दादाजी इसे इतनी भी तमीज नहीं कि बिना नोक के किसी के कमरे में नहीं घुसना चाहिए। अरे ये ठहरा जंगली सांड, इसे मैनर्स कहाँ से आएंगे? मुझे तो लगता है इस जंगली सांड को हमें काटकर मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। बेटा इसे ऐसी जगह काट कि ये कभी बैठ ना पाए। मुझे तो ये हमारी बिरादरी का लगता है, बस शक्ल सांड जैसी है। ऐसी जगह चुन की जिंदगी पर इंजेक्शन ना लगवा पाए, इंसान मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शुभकामना तेरी कैसी बोलो, जर्मन शेफर्ड की जय, जंगली कुत्तों की जय, सड़क छाप कुत्तों की जय। झूठी तसल्ली देकर होली में लाल होकर आ गए? होली में नहीं हुआ हूँ, उस खोली में हुआ। इंसान इंसानों से खेलते हैं, मैंने कुत्तों से खेली। वो कैसे खेलते हैं? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, उस दिन उसके सामने हर कोई ढेर होता है, और आज ही वो दिन है। आदमी एक और कुत्ते अनेक, दिखा भी नहीं सकता कहाँ कहाँ काटा है मुझे। अब मैं उस किशन को कच्चा काट खाऊंगा। कुत्ते के मुंह नहीं लगते हैं एसएमएस जी। मेरा ईगो हॉट हुआ है, ईगोइस्ट टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक होता है। आप क्या करेंगे? कुत्तों ने मुझे काटा है, अब मेरी रगों में कुत्तों का खून दौड़ रहा है। मैं उस पे भौंकूंगा, उसे काटूंगा, बस तुम प्यार से छू बोल दो। सुनो तो। अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। तुम सिर दर्द का बहाना करके उससे कहो कि वो बच्चों के साथ सो जाए। जैसे ही वो बच्चों के कमरे में जाएगा, वहाँ बच्चे नहीं होंगे, वहाँ रहूंगा मैं, रेबीज वाला कुत्ता। भौ भौ। कल हम कब निकलेंगे यहाँ से? 7:45। मेरी कमर में आज बहुत दर्द है, इसलिए आज बच्चों के साथ तुम सो जाओ। मैं सो जाऊँ? ठीक है। के नीचे मरेगा मनहूस, इधर होगी तेरी बर्बादी, उधर मेरी शादी। और बताओ सिग्नल मिला क्या? कैसा सिग्नल? अरे बेवकूफ, जल्दी से बच्चों को सुलाकर उसकी कमर दर्द का इलाज करना है तुम्हें। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओहो, आजकल के जनरेशन के यही तो प्रॉब्लम है, बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाने का यही तो मतलब है। चलो उठो। अरे चलो, क्या मतलब है? चलो, अरे आप बात मानो, चलो तो। अब क्या? तुम्हारी कमर दर्द का इलाज लाया हूँ, इसके पास फंडू बाम है। तो दो। ये इतनी दूर से कैसे लगाओगे? चलो अंदर जाओ, अच्छे से लगाना। ऑल द बेस्ट बेवकूफ, ऑल द बेस्ट अंकल। मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दो। और मुझे पता है तुम्हें 10 मिनट क्यों चाहिए। हकीकत बयान करके चला जाऊंगा। चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। संध्या, ये क्या है? झंडू स्प्रे है, इससे मेरी आंखें जलने लगेंगी। तो मारूं? पर क्यों? ए, ए, संध्या, क्या कर रही हो तुम? अरे मेरी आंखें, मेरी आंखें। पलंग टूटने की आवाज, लाइव देखता हूं। अब तेरी क्या जरूरत? गिरने की आवाज नहीं आई, नसीब वहीं लटक गया। बाम ठीक से लगाया कि नहीं? अंकल एकदम चकाचक। उसके आने से पहले सेट कर देता हूँ। ठीक हो जाना मेरे बाप, ऐसे नहीं मानेगा। खुला खुला।
मेरे बाबू बचाना। अरे ये रुपये जैसा नीचे क्यों गिर रहा है? थैंक गॉड मरा नहीं है, जिंदा है। जिंदा तो है पर अब ये बेकार हो चुका है, आप समझ ही गए होंगे। यानी अब ये किसी काम का नहीं रहा? रो के क्या फायदा, कभी प्लान ठीक से बनाया है? तुम भी दुनिया में बगैर प्लानिंग के आ गए हो। आइए आइए, ये आप ही का इंतजार कर रहे हैं। ये शरत है, मेरे ममेरे भाई हैं। हाय। ये भी हमारे फाउंडेशन के लिए वॉलंटियरली काम करते हैं। इस ट्रिप में तुम्हारे साथ शरत भी रहेंगे। Okay. Excuse me, madam. The temperature in the mountains runs into minus degrees, so we cannot allow children below 10 years to go there. Sir, हम यहाँ Make-A-Wish Foundation की तरफ से बच्चों को लेकर आए हैं, और ये बच्चों की आखिरी विश है. Please try to understand. You too try to understand, ma'am. Even the strongest people fall sick in these weather conditions, and this journey can turn out to be harmful for these kids. Sorry. No problem. मैं समझाता हूं उन्हें, और तुम देख लेना वो जरूर मान जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें आज शाम मेरे साथ डिनर करना होगा। क्या? तुम्हारे साथ? पागल हो जो इन हालात में ऐसी बात कर रहे हो? अरे पागल नहीं हूं, मेरे भी कुछ अरमान है। गो टू हेल। सिर्फ डिनर ही नहीं, बच्चों के लिए तो मैं फिल्में भी देख सकता हूँ। ठीक है, पर तुम्हें अकेले आना होगा। व्हाट? मैं नहीं आऊंगी। तो ठीक है, भूल जाओ। दीदी प्लीज मान जाओ ना। मान जाओ ना दीदी, प्लीज मान जाओ ना। ओके। क्या बात है, अब देखो मेरा कमाल। थैंक्स। हेलो जेसिका। थैंक्स। हाउ डू यू नो माय नेम? इट्स रिटन हियर। तुम्हें पता है जेसिका, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। ये तुम्हारी आंखों का जादू है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी आंखों को देख कर दिल करता है कि इसमें पूरी तरह से डूब जाओ। मुझे अपने सुपीरियर से मिलवाओ ना। चलो चल, ड्यूटी के बाद मिलते हैं। यू कैन गो नाउ। थैंक यू, बाय। थैंक यू जेसिका, यू आर द बेस्ट। कम ऑन गाइस, जल्दी चलो। गोलू, इन पहाड़ों पर तुम क्या देखना चाहते हो? इनके बारे में किसने बताया? मामा ने बताया अंकल। सीनू के पापा एक पर्वत आ रहे थे अंकल, इन पहाड़ों पर आए और गायब हो गए, फिर नहीं लौटे। तब सीनू ओनली 4 years का था अंकल। मेरे पापा पहाड़ों के बादलों में रहते अंकल। सही में अंकल, मामा ने बताया। सही कह रही है। ये वही जगह है जहाँ इसके पापा गुम हो गए थे। थैंक्स ब्रदर। टेक केयर। वो देखो गोलू, शायद यही वो जगह है। गोलू शायद वहां हो सकता है तुम्हारे पापा का घर। I can't handle this.
अब अगर मर भी जाओ तो भी क्या? मैं जानता हूँ अंकिल, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। पापा से मिले बिना मैं मरना नहीं चाहता था, पर अब ठीक है। थैंक्स अंकिल, आपने मिलवा दिया। आपकी स्पॉन्सरशिप की वजह से मैं पापा से मिल पाया हूँ। डिनर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संध्या। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लिए अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर करो ना प्लीज। तुम्हें जो भी खाना है ना खा लो, भेजा मत खाओ। कम ऑन संध्या, तुम जो भी ऑर्डर करोगी मैं खा लूंगा। आपके पास स्पाइसी बॉम्बर है? यस मैम। ओके, आई वांटेड विद नागा वाइपर चिलीज, साथ में हरी मिर्च और ढेर सारी काली मिर्च डाल दीजिए। आर यू श्योर? हाँ। ओके मैम, थैंक यू। एंजॉय योर फूड। खाओ। टेस्टी है ना? क्या और खाया तो मर जाओगे। इन मछलियों की तरह मैंने भी ऐसी लाइफ नहीं चुनी थी संध्या। हालात ने मुझे मजबूर कर दिया, लेकिन तुमसे और दादाजी से मिलने के बाद मुझे रिश्तों और मोहब्बत की अहमियत समझ में आई। तुमसे मिलने से पहले मैं कुछ और था संध्या, लेकिन अब बदल गया हूँ। Happy birthday to you. भैया, आप यहाँ? देखो संध्या, मैंने कभी तुम्हारी बर्थडे मिस नहीं की है, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर तुम्हें सरप्राइज दिया और यहाँ चले आए। हैप्पी ये यहाँ कैसे? आपको पता नहीं? यही तो हैं संध्या के पति। संध्या के पति? क्या बकवास कर रहे हो? ये मूछों वाला मेरा जीजा है? किशन, तुम्हारे साले साहब का कोई जवाब नहीं। अबे तू क्या साला साला कर रहा है? ये मेरा साला नहीं हो सकता, मेरी बहन तो कुंवारी है अभी। क्या? ये सच बोल रहे हैं क्या? जवाब दो। मिस्टर मेहरा, मेरी बात सुनिए, इसमें संध्या की कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरे फायदे के लिए इसने मेरा साथ दिया। मैंने बहुत से कमीने देखे, लेकिन इससे बड़ा कमीना नहीं देखा। ये तो कमीनों का सरदार है। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ये लड़कियों को फूल समझता है और उनका रस चूसकर दूसरे फूल की तलाश में उड़ जाता है। खैर कोई बात नहीं, चलो यहाँ से, चलो। देखिए चलो, एक दिन की बात है, तुम अपना मुंह बंद करो, चलो। संध्या, इसकी आखिरी विश पूरी करना बाकी है, इसके पास टाइम नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ संध्या, मैं तुम्हारे नजदीक आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। पहले मुझे लगा था कि जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए होती है, लेकिन अब पता चला कि लुटाने में ज्यादा मजा है। जब मैंने गोलू को गले लगाया तो मुझे एहसास हुआ कि खुशी पाने से नहीं बल्कि बांटने से मिलती है। संध्या प्लीज, इसकी आखिरी विश पूरी करते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम इस ट्रिप के लिए तैयार हो जाओ। अब प्लीज। संध्या। भैया, भगवान ने हमको अच्छी सेहत और समय दिया है कि हम अपना जीवन जिएं, पर इनके पास ये सब नहीं है। मैं जानती हूँ मैं गलत आदमी के साथ हूँ, बस एक बार मेरी बात मान लीजिए भैया, उसके बाद आप जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। प्लीज भैया, मेरी बात मान लीजिए ना। गेम जोन, तुम्हें जो भी गेम खेलना यहाँ मिलेगा, जाओ एंजॉय करो। पर पुलिस कहाँ है? पुलिस किस लिए? पुलिस
पीसी तो मेरा पीछा करेगी। यहाँ तो अकेले खेलते हैं। नहीं नहीं अंकल, जब मैं भागूंगा तो पुलिस को मुझे चेस करना चाहिए। क्या? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ बाबा, आप समझ ही नहीं रहे हो। इस गेम की तरह मुझे यही चाहिए। ये तो वीडियो गेम है बेटा। मुझे यही चाहिए, इसीलिए तो आया हूँ। पुलिस आ चुकी है, भागो चिंटू, someone is kidnapping the boy. कैसा लगा चिंटू? विश फाउंडेशन से आए हैं। ये किशन है और इस बच्चे की आखिरी विश पूरी कर रहा है। Don't shoot. He's not the kidnapper. Okay, okay. He's on the roof. Hey, stop, 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 stop. Hey, man, stop. Hey, man, stop. Hey, man, कोई बात नहीं है चिंटू बेटा, इसे पकड़ लो, पकड़ो। तुम ठीक तो हो? डोंट वरी, आई एम ऑल राइट। तुम्हें पता था ये खतरनाक है? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। अगर कुछ हो जाता तो? प्यार के साथ किया जाए तो सब पॉसिबल है। Everything is possible with love. लेकिन बहुत रिस्की था। क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव है जो दूसरों को खुशियाँ दे सकता है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान ही है जो दूसरों को खुशियाँ दे सकता है।
हाय संध्या। हाय। संध्या तुमने कहा था ना कि चिंटू के आखिरी विश पूरी होने के बाद तुम मेरी हर बात मानोगी। तुमने वादा किया था मुझसे, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी इससे तय कर दी है। और आज शाम को तुम्हारी एंगेजमेंट है और 2-3 दिन के बाद शादी। लेट्स गो। इस वक्त हम 50% ही जमा कर सकते हैं, बाकी के अमाउंट के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। मगर क्लाइंट को पैसे 6 दिन पहले ही मिल चुके हैं और हमारे पास क्लियरेंस का सर्टिफिकेट भी है। दादाजी ने दिया है। रामनवमी के आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। संध्या से एक बार मिलकर बात करें। मैं भी इस मौके पर उसे आने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता था, पर कल ही के दिन उसकी एंगेजमेंट हो गई और 2 दिन बाद इंडिया में शादी। ओ, पर ऐसे कैसे यार? अरे जल्दी करना। अरे ससुर जी, मैंने सारे जूते चप्पलों में लॉक मार दिया है, कोई भी चप्पल चुरा नहीं पाएगा। दादाजी, किशन भैया अभी तक नहीं आए। पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, अगर वो नहीं आए तो आप। रात को फोन पर उसके दोस्त ने बताया कि वो निकल चुका है, अभी किसी भी वक्त आ सकता है। संध्या की तमन्ना थी इसलिए मैं इस गांव के मंदिर में शादी करने के लिए आ गया, कम से कम एक एसी तो लगवा देते। अरे पिताजी, ये मंदिर अमेरिका में नहीं आ सकता था? एक बार शादी हो जाने दे बेटा, फिर इंडिया अमेरिका में शिफ्ट कर देंगे। एक मिनट। संध्या, संध्या क्या कर रही हो? सुनो किशन। संध्या चलो, राम और सीता का विवाह होने जा रहा है, जब तक हो ना जाए प्लीज चुप रहिए। आज का दिन तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, ये मैं जानती हूँ। तुम तैयारी करो, मैं आती हूँ। संध्या, पागलपन मत करो, चलो। मैं नहीं आऊंगी, मुझे आपसे किया हुआ वादा याद है, पर अभी जिद मत कीजिए प्लीज। मेरे भैया हैं। अरे कैसे हैं आप? अच्छा किशन। अरे देखिए ये लोग कौन हैं? संध्या के भैया और उसके रिलेटिव्स। आखिर बात क्या है? दादाजी, दादी जी पंडाल में पहुँच चुकी है, मुहूर्त का टाइम। चलो बेटा जल्दी आ जाओ। मामा, सिर्फ 2 घंटे के लिए शादी रोक दो, संध्या को किशन की राधा बनाना है। भांजे, मैं कोई ट्रैफिक हवलदार थोड़ी हूँ। खैर तू कहता है तो मैं थोड़ी बहुत कोशिश करके देखता हूँ। तूने सच्चाई बताकर अच्छा किया। अब वो यहाँ आएगी और तेरी हो जाएगी भांजे। अब तू अपने रास्ते चल और मैं चला अपने रास्ते। कम ऑन, गो गो गो। ओके पापा, हम भी उनके पीछे चले। हम लड़के वाले हैं, बिना इन्विटेशन हम कहीं नहीं जाते। ठीक है पापा, आप सही कह रहे हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। ये तरीका है इज्जत देने का? मैं संध्या का होने वाला अमेरिकन पति हूँ, मेरी गाड़ी और मम्मी पापा धूप में खड़े हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर उन्हें पता चल गया तो संध्या की शादी कैंसिल हो जाएगी। बस एक मिनट, मैं आता हूँ। नहीं सर, मेरे पास ऐसा रूम है जिसमें धूले की ताकत दुगनी हो जाती है। तो इसका मतलब आप भी उसी रूम में सोते हैं? अरविंद, शादी के पहले आदमी शेर होता है और शादी के बाद तो शेर भी कुत्ता हो जाता है। ओहो, इसे लगता है कि अपनी बहन की शादी इससे करवा के रहेगा। पूजा का टाइम हो गया है, पुजारी वहाँ चिल्ला रहे हैं, पति पत्नी को वहाँ होना चाहिए। संध्या शादी के लिए रेडी है मगर दूल्हे राजा का पता ही नहीं। ओ, ये सब क्या कंफ्यूजन है? मैं क्या कोई भूत हूँ जो इसे नहीं दिखा? तुमसे पूछ रहा, जवाब दो। अरे इसे किसी ने उल्लू बनाया है इसीलिए दिन में नहीं दिखता। ओ, ये बात है। जल्दी चलो, मुझे जोर से शादी आई है। अबे उसे सूसू कहते हैं। अरे गलती से मुंह से निकल गया तो फिर मुंह में डालना नहीं चाहिए था ना। दिमाग की दही हो गई। तो जमाओ पनीर बनाएंगे। पनीर मुझे पसंद नहीं है। नहीं तो लस्सी बनाएंगे। और लस्सी मुझे पसंद नहीं। जीजा जी, मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। आप क्लियर हो गए हैं ना? मैं क्लियर हूँ। हाँ तो मैं भी क्लियर हूँ। मेरी बात तो सुनो बेटा। जीजा जी,
अक्सर मेरे भेजे में अंधेरा हो जाता है, लेकिन प्लीज संध्या को ये बात मत बताना। मैं अमेरिकन साइंटिस्ट से बात करूंगा ताकि दिमाग की बत्ती चले। इसका स्क्रू ढीला है। इन्हें रूम में ले जाओ जल्दी। हाँ अरविंद जाओ, जाओ बेटा जाओ, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा हल्का हो जाओ। हाँ लेटे लेटे रेस्ट करना है। तू ना, मैं पागल दिखता हूँ क्या? अगर संध्या सबके सामने किशन के साथ पूजा पर बैठेगी तो फिर लोग क्या कहेंगे? ज्यादा होशियारी मत दिखा। मेरी बहन कहाँ ये बता। अगर तूने नहीं बताया तो मैं सारे गांव को बता दूंगा कि तुम दो। अरे सुनो, यहाँ लेके आओ। इन्हें बताओ कि संध्या कहाँ है। पहले ये ठंडा पानी नहीं चाहिए, बस संध्या कहाँ ये बताओ। ओह संध्या, आप पकड़िए जरा, आप मेरे साथ आइए। तुम जाते हो? ये संध्या के अलावा सब कुछ दिखाएगा। ऊपर देखो, संध्या को वहां छुपा रखा है। बलदेव चोपड़ा ने लाखों रुपए खर्च करके ये वाटर टैंक बनाया है। यही ढूंढ रहे थे ना, चाहो जितना पियो, फिर नदियां बहाते रहना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बता रहे हो? हेड ऑफिस खाली है क्या? खाली तुम्हारा है। अमेरिका में बोतल का पानी पी के बोतल बन गए हो तुम। कभी टैंक का भी पी के देखो। अब जब ठीक से सुनाई नहीं देता तो कान का इलाज करवा। मुझे यहाँ क्यों लाया, कान चोर कहीं का? ये ऐसे चिल्ला रहा है जैसे मुझे सुनाई नहीं देता। प्यास ज्यादा लगी है आपको? अगर ये पसंद नहीं है तो पास में कच्ची शराब का ठेका है। प्यास नहीं लगी है बेवकूफ, गुस्से में हूँ, गुस्से में। शहर के लोग कितना धीरे धीरे बोलते हैं, सुनाई नहीं देता। इसकी जबान में मोतियाबिंद हो गया है। मैं निकल लेता हूँ। चल बसंती। अबे कहाँ जा रहा है? मिले तो मुझे भी बता देना। क्या हुआ सर? संध्या कहाँ है? कौन संध्या सर? संध्या मेरी बहन। आप कौन हो सर? मैं उसका भाई हूँ। संध्या कंफ्यूज्ड, तेरी शादी कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर तो मेला लगा हुआ है। अरे यही तो कंफ्यूजन है। पपलू, शादी का मंडप कहाँ है? मैं भी मंडप ही ढूंढ रहा हूँ। ओए तो तू कहाँ है? अरे बाबा मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता ढूंढते ढूंढते रास्ते पे आ गया हूँ। बुड्ढा एकदम ठरकी है, कब्र में टांगे लटकी है और शादी की बातें करता है। हाँ ये आवाज सुनी सुनी लग रही है। ये माया का नकली पति यहाँ क्या कर रहा है? चाचा एक मिनट, ये कौन है? यही तो शादी करवा रहा है। तो ये कौन है? ये उसकी पार्टनर है। ये दोनों मिलकर तो राम सीता की शादी करवा रहे हैं आज। एक मिनट, अरे दुल्हन का नाम क्या बताया? संध्या। क्यों? उसका भाई वकील है। हाँ आपको कैसे पता? वो मैं बाद में बताता हूँ, तुम जल्दी से अपने पापा को अपने साथ लेकर यहाँ आ जाओ। ये भी कंफ्यूज्ड है। तुम किशन को कैसे जानते हो? गूगल पे सबसे बड़ा फ्रॉड सर्च करो तो उसी का नाम आता है। चोर बेईमानों का राजा, शैतानों का सरदार, कमीनों का सुपरस्टार। मेरी खूबसूरत वाइफ को भगा ले गया मक्कार। वो किसी के भी साथ फेरे 7 जन्मों तक नहीं करवा पाएगा। ये गलत बात है, वो मेले में शादी करवा रहे हैं। मेले में हो या ठेले पे, सबसे पहले मेरी शादी होगी। इस उम्र में शादी? मेरे होने वाले बच्चों की इच्छा। मत कीजिए। चुप। नमस्कार नमस्कार। अरे रुको, मुझे सुनाई दे रहा है। ये सारा फरेब उस बड़े आदमी को बताता हूँ। भाई साहब नमस्कार, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। नमस्कार। एक्चुअली मैं एक पोल खोलना चाहता हूँ। वो किशन दिख रहा है आपको? वो एक नंबर का धोखेबाज है। सही कहा। मैंने इसे धोखा खाया। ये भी सही कहा। मैं खा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप बहरे हैं क्या? मैं अभी बहरा नहीं हूँ, पहले होटल में बहरा था। आप दोनों कानों में एक एक बम डाल के फोड़िए, शायद कुछ सुनाई दे। आप थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज थोड़ी सी स्लो है। देख भाई, तेरे कान के पर्दे खराब हो गए हैं। तू किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे, वो तुझे नए पर्दे लगा देगा। नहीं तो तेरे घर के खिड़की के पर्दे लगा ले कान में, बहरे गेंडे। मैंने सब सुन लिया। अजीब इंसान हो तुम, इतनी गर्मी में बुलाने के बजाय एसी में बैठकर बात करते हैं। कहीं दिमाग उबल गया तो भेजा फ्राई हो जाएगा। भेजा होगा तो फ्राई होगा। देख संध्या शादी में किशन के साथ बैठी हुई है। ओ, साथ में बैठने से एड्स थोड़ी फैलता है। अबे शादी तुझे करनी है, झंडू किशन उसके बगल में बैठा है। अरे वो सिर्फ बैठा है, सोया थोड़ी है। हमारी बहू दूसरे लड़के के साथ कैसे बैठ सकती है? अरे डैडी उसमें प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका में तो ये सब चलता है। किशन और संध्या की शादी हो चुकी है। दिमाग से पैदल। सिर्फ शादी हुई है ना, बच्चे थोड़ी हुए हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो तेरा साला है ना? लग गई। वो तेरा साला है, तेरा दिमाग भाजी पाला है। अगर इज्जत की चिंता है तो गांव छोड़ दो, और अगर शादी करनी है तो ये शादी रोक दो। चल बेटा जाओ जल्दी। नहीं दादाजी, मैं ये नहीं कर सकूंगा। आई एम सॉरी दादी माँ।
मैंने आपसे झूठ बोला था भांजी। मामा, झूठ से खुशी हासिल होती है, लेकिन उस खुशी के बाद जो परेशानी पैदा होती है वो ज्यादा दुख पहुंचाती है। मुझे माफ कीजिए दादी माँ, संध्या मेरी वाइफ नहीं है। अपने फायदे के लिए मैंने आपसे झूठ बोलकर संध्या को भी इसमें शामिल कर लिया। जब मेरा झूठ पकड़ा गया, संध्या मुझसे दूर हो गई। मैं फिर से झूठ बोलकर आप सभी को धोखा नहीं दूंगा। संध्या, गैर होकर भी तुमने इनके बारे में इतना कुछ सोचा, फिर मैं तो इनका अपना हूं। अपने जवान बेटे को खो देने का दुख दादी माँ ने 30 साल सहा है, और अब जब इन्हें पता चल गया है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, तो सोचो क्या बीत रही होगी इन पर। दादाजी, जिन पर हमने भरोसा किया अगर वही हमें धोखा दे तो उन्हें माफ करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैं धोखेबाज हूं ये जानते हुए भी आपने मेरी मदद की, ये सिर्फ एक दादा ही कर सकता है। आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकूंगा। जो गलती का पश्चाताप करते हैं उन्हें तो भगवान भी माफ कर देता है बेटा, और तुमने पश्चाताप कर लिया है। क्या ये वही किशन है भैया, जो पहले बहुत गलत रास्ते पर चल रहा था, जिसे आपने दुश्मन समझा? अगर मैं कहती कि किशन बदल गया है तो शायद आप मेरा यकीन नहीं करते। किशन और उसकी फैमिली को देखकर आपको नहीं लगता मैं खुश रहूंगी? मेरी नफरत को किशन ने प्यार में बदल दिया भैया। अब भी आपको भरोसा नहीं कि वो मुझे खुश रखेगा? शायद मुझे किशन से प्यार हो गया है। मैं अरविंद से शादी नहीं करना चाहती भैया। भगवान राम और सीता की शादी बहुत पहले हुई थी, मगर हम अपनी खुशी के लिए उनकी शादी हर साल करते हैं। ये शादी भी ऐसी ही होगी। माफ कीजिएगा मेरी बहन संध्या, अब इस परिवार की बहू बनेगी। रिश्तों से दूर भागने से उसकी समस्याएं खत्म नहीं होती, प्यार से समस्या का हल ढूंढना चाहिए और रिश्तों से दूर कभी नहीं भागना चाहिए।